राम 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 राजा 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 सुधारी वरण रघुवर विमल जस जो दायक फलचारी बुद्धि न तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन जय अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संहारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहां जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट हरे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महा सुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप सियावर राम चंद्र की जय रघुवीर राम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन बोलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज Thank you.
करालम महा फिर एक बार राम कथा के इस चित्रकूट धाम में उपस्थित सभी पूज्य चरण कुंभ पर्व में आए और अपनी अपनी शिविर में विश्व मंगल के लिए जो जो अनुष्ठान हो रहे हैं, करने वाले, कराने वाले, प्रेरणा देने वाले ये सभी महापुरुषों को भी मेरा प्रणाम। आप सभी मेरे भाई बहन और अपने घरों में सुनने वाले सभी श्रोता भाई बहनों को भी मेरा हृदय से प्रणाम। मानस रुद्राष्टक जिसकी
गान और चर्चा कर रहे हैं। कल जिस बंद का गान किया और उसका उत्तरार्ध जो बाकी है उसकी संक्षिप्त चर्चा करते हुए हम आगे बढ़े। प्रचंडम प्रदूषम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रय की गुरुपरक व्याख्या जो हम और आप कर रहे हैं इसमें गुरु प्रचंड है। गुरु की प्रचंडता के तीन आयाम जिसकी चर्चा कल बृहद रूप में हुई। वरिष्ठ है, श्रेष्ठ है, विशिष्ट है, और जो विशिष्ट है वो ही वशिष्ठ है। संसार में जिसका गुरु वरिष्ठ है, विशिष्ट है, श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, समझ लेना उसको राम का गुरु वशिष्ठ मिल गया। भवसागर में पार होने के लिए अब तो ये मशीन बोटे हो गई, बड़े बड़े ब्रिज मीलों तक लग गए, आसान हो गया समंदर पार करना। लेकिन एक समय था कि केवल जहाज पोत इसका उपयोग किया जाता था और उसमें एक कपड़ा बांध दिया जाता था जिसको पाल कहते हैं, शठ कहते हैं गुजराती में। और ये कपड़ा इतना ही काम करता था कि हवा की दिशा बदलते उसको कुशल कप्तान बदला करता था ताकि नौका सही दिशा में अपने गंतव्य की ओर गति करे। भवसागर पार करने के एक तो साधन नौका, और कप्तान बन जाए सदगुरु जो हमारे बदलती हवा के हवा को देखते हुए हमको दिशा सूचन करे, और तीसरा है वायु भी तो ठीक होना चाहिए, हवा ठीक होनी चाहिए। इसका वर्णन मानस में आता है, हम सब जानते हैं, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, प्रभु की प्रभु का अनुग्रह ये वायु है, सन्मुख वायु है, अनुकूल वायु है, कर्णधार सद्गुरु है जो समय समय पर दिशा देते हैं और नौका साधन है। ये तीन वस्तु का जब हमारे जीवन में स्मरण रहेगा तब कोई भी काम हम करें
अहंकार नहीं आएगा। भगवान राम लंका में विजय करके अयोध्या आए, माँ कौशल्या को प्रणाम करते हैं तो माँ कौशल्या उसको गले लगा कर कहती हैं, मेरे सुकुमार पुत्र, और इतना बड़ा रावण तुमने उसको कैसे मारा, तूने बहुत बड़ा काम किया, ऐसा कौन कर सकता है। माँ का भाव है, वैसे तो माँ परम विवेकी है मानस में, क्योंकि उसने शत्रुपा के रूप में भगवान से विवेक की मांग की है कि मेरा विवेक कभी भ्रष्ट ना हो, मैं तुम्हारी माँ बनूं लेकिन ममता मेरे विवेक को मिटा ना दे। ममता का एक बहुत बड़ा खतरा है, कभी कभी आदमी के विवेक को भ्रष्ट कर देती है। इसलिए अर्जुन का विवेक कहाँ रहा ममता के कारण, और विवेक भ्रष्ट का शतविध पतन हो जाता, शतविध पतन, एक के बाद एक गिरावटी शुरू हो जाए जो आदमी विवेक भ्रष्ट हो जाता। सत्संग विवेक सिखाता, मेरे पास बहुत सी चिट्ठियां लेकिन एक समान होती हैं, इसलिए बहुत पहले भी उसके जवाब दिए गए हैं, फिर भी बहुत प्रश्न आते हैं कि बापू हम इतनी कथा सुन रहे हैं फिर भी हमको ठीक से कथा का जो सुख मिलना चाहिए कथा के बाद है। मैं कई लोगों को जानता हूं कि जिसको कथा के समय में भी सुख नहीं मिल रहा है, इसका एकमात्र कारण है परस्पर द्वेष, परस्पर ईर्ष्या। द्वेष आपको सदा दुखी करेगा, ईर्ष्या आपको कभी भी सुख नहीं पाने देगी। मैं लोगों का चेहरा बहुत पढ़ता हूँ, किताबें कम पढ़ता हूँ, संतों को सुनता हूँ, सुनने से कुछ न कुछ सत्य मिलता है जो जीवन के लिए उपयोगी होता है। तो ये जो प्रश्न बड़ा पिटा पिटाया है कि कथा के बाद फिर क्यों ऐसी स्थिति हो जाती है, इतना आप देखिए एक कथा के पीछे कितनी ऊर्जा काम करती है, स्थूल रूप में देखो तो भी मुंह में उंगलियां डालनी पड़ेगी, आश्चर्य होगा। इतना बड़ा पंडाल बनाना, उसके पीछे धनराशि को चलो गौण समझो लेकिन कितनी मानव शक्ति काम करती है। कितने समय से महाराज श्री ने इसका आयोजन सोचा होगा, उनके सेवक गण, आश्रम के सेवक लोग कितने समय से लगे होंगे। मैं देखता हूँ कितने स्वयं सेवक जो कथा सुन भी नहीं पाते होंगे, जो अपनी ड्यूटी पर खड़े हैं। एक कथा कितनी ऊर्जा को एकत्रित करते हैं। किसी विदेशी ने कहा था जब नायग्रा प्रपात को पहली बार देखकर उसके मुख में चीस निकल गई कि इतना पानी बेकार जा रहा है, चीस निकल गई, इस पानी से कितने मुल्क की सिंचाई हो सकती है। नायग्रा का धोध प्रपात तो कुछ नहीं राम कथा के आगे, कुछ नहीं, नगण्य। उसके साथ तोलने में भी उनका नाम लेना ठीक नहीं लगता। क्या राम कथा का इतना बड़ा, क्योंकि ये तो शंकर के जटा से निकला प्रपात है, शिव की जटा से निकली गंगा है। सकल लोक जग पावनी गंगा, तो कथा के बाद क्यों फिर ऐसी की ऐसी स्थिति करीब करीब लोगों की हो जाती है। और मैं देखता हूं कई लोगों की तो कथा के मध्य में ही ऐसी दशा रहती है। मैंने पहले कहा एक दिन, पहले भी बहुत बोला हूं इस पर, कि शिकायत चित्त अध्यात्म में प्रवेश पाने के योग्य नहीं, ऐसा मुझे लगता है। मेरी एक बात मानोगे, सोचिएगा,
कभी कभी हम दुख के कारण फरियाद करते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि हम फरियाद करने के कारण ही दुखी होते? कहीं ऐसा नहीं कि फरियाद ही हमारे दुख का कारण? छोड़ो शिकायत है, सत्संग में आए हो, कहां हो ये तो सोचो। अब जब मैं बोल रहा हूं तब आप सबकी निगाहें व्यासपीठ पर है, मानस पर है। ऐसी ही दृष्टि और बाकी के 20 घंटों भी रखो कि केंद्र शास्त्र हो, अगल बगल में क्या हो उसमें क्यों जाते हो। पर कितना बड़ा ये एक कितनी बड़ी ऊर्जा काम कर रहे, और ये बेकार न चला जाए। हमको तो आत्मसुख मिलता है, हमारा तो लाभ ही लाभ है। सोचो, कहने का अभिप्राय, बाप द्वेष दुख ही देगा, ईर्षा आनंद से जुड़ने नहीं देगी। मैं कल भी कह रहा था कि हमारे वेदादि ग्रंथों ने, आचार्यों के अनुभव ने यही कहा है कि आदमी के दुख का कारण अज्ञान ही है, और अज्ञान केवल एक ही जगह नहीं है जहां स्वरूप का भान हो जाता है। मैंने वो शास्त्रीय शब्द का प्रयोग कल किया था, अज्ञान सृष्टिगत होता है, स्वरूपगत नहीं होता। इस शास्त्रीय शब्द जगत में अज्ञान कभी कभी जरूरी भी है। माया क्या है? अज्ञान। और कहते हैं माया के बिना जगत बनता नहीं, तो ये ज्ञान का आश्रय, यही विधि जग हरि आश्रित रहे। लेकिन अज्ञान स्वरूप गत जरूरी नहीं है, सृष्टिगत जरूरी। ये बड़ा बड़ा अद्भुत चिंतन है मेरे देश के ऋषियों का, मेरे देश के मनुष्य। तो चर्चा चल रही है बाप कि क्यों हम दुखी हैं। बुद्ध ने तो दुख के बारे में कितने आर्य सत्य को उद्घोषणा की थी। इतना बड़ा शक्तिपुंज काम में लगता है और हम बिल्कुल अपने ही कारण लाभ चुक जाते। लोग कितनी कितनी राजनीति करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, धर्म में भी। लगता है तुम विवेक से बचने के लिए बख्तर पहन रहे हो कि विवेक हमारे तक आए ना। इसका लाभ होना चाहिए, वर्तमान में तो होना चाहिए, भविष्य में भी होना चाहिए। भविष्य में तो क्या, वर्तमान में भी लोग खो देते। इन कुछ कारणों के कारण और परमात्मा के दरबार में उसी का प्रवेश है, वहां कोई चोर दरवाजा नहीं है। वहां जिसको खुले मन से जाना आ जाए वो ही पहुंचता। मोही कपट छल छिद्र नभा, कई श्रोता बहुत समय से सुन रहे, उसकी मुझे चिंता हो रही है, इसलिए बोल रहा हूं। सभी महापुरुषों के जीवन में यही अनुभव रहा होगा कि क्यों श्रोता के कुछ पाले नहीं पड़ रहा।
रामायण सदगुरु है, सदगुरु ज्ञान विराग जोग के वो हमारे लिए इतनी व्यवस्था जुटा रहा है रामकथा, उससे हम लाभान्वित क्यों ना हो। आप अपने अंतर्मन को पूछो, कथा पूरी होने के बाद आप क्या क्या करते हैं, किन किन विषयों में उलझते हैं। बचो, इसलिए मैं कथा में कहता रहता हूं, कथा सुनो भी और कथा से कुछ चुनो भी। संत हंस गुण गाही पाया, सत्संग के लिए तो कहा है आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। क्यों नहीं होता, कहां गई प्रसन्नता। कथा में आते हो तो इतना सुंदर बैठने को मिलता है, आसान आवास मिलता है, सुंदर भोजन मिलता है, भगवत का जहां जाओ वहां कोई ना कोई भगवत कथा, कोई ना कोई कुछ न अनुष्ठान सब मिलता है, फिर भी दुखी क्यों हो। तुम्हारे कारण दुख का निमित्त कारण दूसरा होता है, उपादान कारण अपना चित्त होता है, ऐसा वेदांत का मानना है। निमित्त कारण दूसरा होता है अपने दुख और सुख दोनों का, कि फला आदमी ने मुझे सुख दिया, फला ने मुझे दुख दिया, उसने मुझे सम्मानित किया, उसने मुझे अपमानित किया। निमित्त कारण सदा बाहर होता है, मैं गाड़ी से गिर गया इसलिए दुखी हो गया, गाड़ी में जगह न मिली इसलिए दुखी हो गया, जिसको मिलना था उसको मिल न पाया, शिविर में गया फिर भी न मिल पाया, उस महात्मा को मिलना था न मिल पाया, वहां जाना था न हो पाया। सुख और दुख दोनों के निमित्त कारण सदा सदा बहिर होते हैं, और बहिर कारण केवल निमित्त है। सुख और दुख हमें छूते हैं, उसका असली कारण जिसको उपादान कारण कहते हैं वो तो हमारा चित्त है, और बहिर कारण शायद हम बदल न पाए, क्योंकि एक आदमी आपका अपमान ही करे तो शायद आपकी क्षमता नहीं कि उसको बदल पाए, कोई समर्थ और सक्षम है वो आपका अपमान कर दे, उसके पास बल हो, बुद्धि हो, पैसा हो, सामर्थ्य हो, कोई बोलना आ गया हो, शास्त्र ज्ञान हो, जो जो अपनी अपनी क्षमता हो, उसको आप नहीं हटा सकते, लेकिन सत्संग करके चित्त की अवस्था तो बदल सकते हैं, वो हमारे हाथ की अवस्था। आप गंभीरता से सोचिए इन बातों को, अब पति पत्नी में तकरार है तो पति पत्नी को नहीं बदल सकती, पति पत्नी को नहीं बदल, ये बहिर कारण मुश्किल है। लेकिन चित्त की दशा तो सत्संग से बदल सकती है, ये हमारे हाथ की वस्तु है, ये तो हो सकता। मानवीय सुख दुख का निमित्त कारण केवल बहिर है, उपादान कारण ये मानवी का चित्त है। तीसरा कारण है मानवी के सुख दुख का कर्म जनित फल, ये तीसरा कारण, ये तो ज्ञानाग्नि में साफ कर दिए जा सकते हैं, किसी की करुणा किसी की दृष्टि देखत कर्म बिलाही। मेरे गोस्वामी जी लिखते हैं किसी समर्थ की ये करुणा दृष्टि हो जाए तो जन्म जन्म के कर्म समाप्त हो जाए, इसमें कोई चिंता की बात नहीं, मेरे शब्द नहीं है। मुख देखत पातक हरे पर सत कर्म बिलाही, वचन सुनत मन मोह गत पूरब भाग बिला। सुख दुख का कारण आदमी का कर्ण है, सुखस्य दुखस्य न कोऽपि दाता, ये कारण कभी वर्तमान
का कर्म अच्छा है फिर भी दुख मिल रहा है तो कोई संचित काम कर रहा होगा, वो शुरू हो गया होगा। जो गहन गति है कर्म की, और सुख दुख का एक चौथा कारण जो समझ में आए तो वो है भगवत संकल्प। वो कभी कभी ऐसा निर्णय करता है, इसलिए सही साधक वो है भगवत संकल्प में अपने संकल्प को मिला दे। वो यही सोई जो राम रचि राम। मैंने गत बाली की कथा में एक बात कही थी, मैं आप सबको फिर याद दिलाऊं या तो नए श्रोताओं को कहूं और मेरा पक्का हो जाए, पारायण हो जाए, सूत्रों का ही पारायण करता हूं, आपको कह कह कर पक्का हो जाता है। आप तो शायद भूल भी जाए, मैं न भूल जाऊं इसलिए पारायण करता हूं। अपनी इच्छा के अनुकूल कोई भी घटना घटे तो इसको हरि कृपा समझना, और अपनी इच्छा के अनुकूल घटना न घटे तो इसको हरि इच्छा समझना। आदमी बिल्कुल निर्भर हो जाएगा, कभी टेंस उसको संताप उसको टेंशन नहीं रहेगा। मनोनुकूल कोई भी बात बन जाए तो हरि कृपा। भगवान शंकर चाहते थे कि भवानी कथा का अनादर न करें, किसी संत का अपराध न करें, व्यासपीठ का अपराध न करें, मेरे साथ आई हैं तो आदर से कथा सुने। और जब भवानी ने दूसरे जन्म में ये प्रस्ताव रखा कि मुझे अब कथा सुनाइए, तब भगवान शंकर हरि कृपा का प्रयोग करते हैं कि जो मैं चाहता था वो अब हो रहा। इसलिए कहते हैं राम कृपा ते पार्वती सपने उ तव मन माह, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार। कितना बड़ा प्रमाण पत्र दे दे कथा से पहले, कितना बड़ा प्रमाण पत्र, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार अछूता, लेश मात्र नहीं है अब तुम्हारे मन। मेरी इच्छा के अनुकूल घटना घटी शिव कहते हैं, तो इसमें शिव कारण मानते हैं हरि कृपा। लेकिन गत जन्म में अगस्त जी से सती ने कथा न सुनी, राम दर्शन किया तो संदेह किया, वहम किया, मैं क्यों प्रणाम करूं, इसमें क्या रखा है, ये तो रो रहे हैं आदि आदि। और भगवान समझा रहे, भगवान की इच्छा थी कि ये सुधर जाए, मेरी तरह राम को प्रणाम करे, परीक्षा न करे, राम को समझने की प्रतीक्षा करे। और इतना समझाने पर भी सती ने माना नहीं तो शंकर के मन के अनुकूल बात नहीं घटी, तो वहां तुलसी शब्द लिख देते हैं हरि इच्छा भावी बलवाना। लेकिन ये निर्णय कौन ले सकता है जो सुजान होता है, हृदय विचारत शंभु सुजान। याद रखना मेरे भाई बहन, ये उपदेश नहीं है, हम और आप सब ये सोचे मन के अनुकूल घटना घट जाए हरि कृपा, मन के अनुकूल घटना न घटे तो भगवान ने कृपा नहीं की, ऐसी नहीं, मेरी इच्छा नहीं पूरी हो रही है, क्योंकि हरि की इच्छा ऐसी नहीं है। सुख दुख का कारण भक्तों ने कभी कभी भगवत संकल्प माना है। हम तो तुरंत देखते हैं, बाद में पता लगता है समयांतर में कि जिसको हमने दुख माना था वो सही में दुख नहीं था। कितने प्रमाण मानस के पटल पर आपको प्राप्त हो सकते हैं। मुनि श्राप जो दिनहा अति भल किन्हा परम अनुग्रह में, क्या हल्या को नहीं लगा होगा कि एक ऋषि ने मुझे ठुकरा दिया, श्रापित कर दी और एक पत्थर की तरह बिल्कुल मूढ़ता में जड़ता में डुबो दी।
बुरा लगा होगा, लेकिन कि प्रतीक्षा अथवा तो तत्तेय अनुकंपा सुसमीक्षमाणम, भागवत के न्याय से भगवान की अनुकंपा की सुसमीक्षा की उसने पड़े पड़े कि किस रूप में मुझ पर करुणा हो रही। जब प्रभु के चरण मिल गए, चरण धूलि प्राप्त हुई, तो वही गा उठी जो रो रही थी, वो गा रही है कि मुनि श्राप जो दिन्हा अति भल की, मैं तेरी इच्छा समझ न पाए। हम जैसे संसारियों के लिए ये समझना ही पड़ेगा, यदि प्राप्य विवेक से सुख पाना चाहते हो तो मुनि श्राप जो दिन्हा अति भल किन्हा परम अनुग्रह। तो बाप आदमी को चाहिए कि लाभ ले ले। गुजराती में पंक्ति है, विजली ना चमकारे मोती परोवी ले। रुद्राष्टक की कथा, एक कथा हमें क्या नहीं दे सकती। निर्णय करो। गुजराती में पंक्ति है, मैं तो चांद लो करो बस तारा नाम नो, यानी क्यारे पूछू ही नहीं तू छे क्या गाम नो, मैंने तो तेरे चरण की धूल लगा दी सिर। मैं तो चांद लो करो बस तारा नाम नो, यानी क्यारे पूछू ही नहीं कि तू छे क्या गाम नो, हे भगवान तू भले हो आखी भामनो, पर मारे तो एक मारो सदगुरु कामनो। ये निर्णय होना चाहिए। भगवान तो आखी भामनो, अखिल विश्व उनकी उपज है, सब पर वो बराबर दया कर रहा है। कर मुझे मिल गया महाकाल के मंदिर के कोने में शिव नाम जपने वाला एक सदगुरु, मुझे ये काम कर, मैं क्यों इसमें पड़ूं। मैं तो चांद लो करूं बस एक तारा नाम नो, तन पूछू ही नदी तू से क्या गाम नो, अलक्ष लिंगम निजलाद दुष्टो, कौन है कहां का है तू, और कौन जानता है कौन कहां का है, कोई नहीं जानता। एक कथा से बहुत काम बन जाता है, क्योंकि इतनी ऊर्जा काम में लगती है, उसका लाभ लीजिए। तो हमारे दुखों का एकमात्र कारण है हमारी मूढ़ता, हमारा अज्ञान। वो स्वरूपगत नहीं है, सृष्टिगत है। माया के बिना जगत नहीं बनता। कहते हैं सौ टच सोने का कोई गहना, ऐसा मैंने संतों से सुना है कि नहीं बनता, बनेगा तो भी जल्दी टूट जाएगा, इसमें थोड़ा तांबा उसमें मिलाना पड़ता तभी वो बनता। सृष्टिगत ठीक है, स्वरूपगत नहीं। तो द्वेष दुखी ही करेगा और ईर्षा आनंद से वंचित रखे। सत्संग इसलिए है कि इस विवेक को हम प्राप्त करें। तो याद रखना मेरे भाई बहन कि हमारे सुख दुख का जो निमित्त कारण है उसको मिटाया जा सकता है, लेकिन चित्त का जो कारण है उपादान, उसको तो स्वरूप ज्ञान बिना मिटाया नहीं जा सकता। कारण तो सच्चा अंदर है। एक आदमी आपका अपमान करे तो आपको चित्त के कारण, अंदर के कारण से दुख होगा, लेकिन वही आदमी
कोई एक पागल को अपमान करे तो वो तो हंसता हंसता जाएगा या रोता रोता जाएगा या तो कुछ चेष्टा और करेगा, क्योंकि उसको निमित्त कारण तो है लेकिन चैतसिक कोई कारण नहीं है उनके मन में, इसलिए वही अपमान उसको दुखी नहीं कर पाता, वहाँ चित्त उसका जुड़ा नहीं इसलिए वो दुखी नहीं हो पाता। पागल को दुखी करना मुश्किल है क्योंकि चित्त ही नहीं जुड़ा। तो मेरे पास जो प्रश्न दो तीन दिन से आ रहे हैं कि हम इतनी कथा सुनते हैं फिर भी जितना वो जो क्यों इतना सुख नहीं पा रहे, कारण कौन है? कोई साधु संत तो कारण नहीं है, व्यासपीठ तो कारण नहीं है, पंडाल तो कारण नहीं है, कुंभ पर्व तो कारण नहीं है। कारण हमारी नासमझियां, हमारी मूढ़ता, हमारे मानसिक रोग कारण है। तो साधन हो, सद्गुरु रूपी करुणा कर्णधार जो बार बार पाल बदलते हो हमारी दिशा दर्शन के लिए, और परमात्मा का सन्मुख अनुग्रह रूपी वायु हो, और कोई छोटी बड़ी साधना के पथ पर हो तो इससे लाभान्वित हो जाना चाहिए। तो मां कौशल्या ने जब राम जी को पूछा कि इतने बड़े रावण को कैसे मारा, तो भगवान ने कहा कि मां मैं इसमें कुछ भी अभिमान कर सकूं ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। मानस कि रावण को मारने का श्रेय मुझे प्राप्त हो ऐसा मैं कहने के काबिल नहीं हूं, क्योंकि ये मेरे से नहीं हुआ है। ये सब सखा सुनहुं मुनि मेरे, राम का संकेत देखिए, इससे जीवन का विवेक बनाई। ये अंगुली उठी प्रभु की, कुछ बंदर जो आए थे रीछ और बंदर भगवान के साथ लंका विजय के बाद अयोध्या, वो मनुष्य शरीर में खड़े थे और भगवान कहते देखिए ये सब सखा सुनहुं मुनि मेरे, ये सभी मेरे मित्र मेरे सखा भये समर सागर मावे। लंका का युद्ध मैदान तो समुद्र था, उनसे पार होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये रीछ और बंदर मेरे लिए जहाज बन गए, प्रभु कहते मेरे लिए बेड़ा बन गए, मेरे लिए पोत बन गए, मेरे बेड़े ये हैं, ये मेरे साधन थे, इसके द्वारा मैं समर सागर को तैर पाया। और बंदर भालुओं को ये न हो जाए कि हमारे लिए राम ये सब कर पाए, इसलिए तुरंत प्रभु आगे तो कह देते हैं, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, ओ जिनकी कृपा दनुज रन मारे। ये वशिष्ठ जी हमारे कुल गुरु कुल पूज्य है, इनकी कृपा से, इनकी कृपा ने पाल को संभाला था। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करिता, जोन तरे भवसागर नर समाज अस्पाय। इतनी सुविधा होने के बाद भी कोई यदि प्रसन्न न रह सके तो फूट गए भाग। महाकाल का अभिषेक करो तो फायदा होगा होगा होगा, लेकिन विवेक से द्वेष मुक्त होने का प्रयास नहीं करोगे तो जितना होना चाहिए इतना नहीं। महादेव चाहता है कि मेरे ऊपर से तू नमन वो ले जा कि तू सबको नमन करना सीख ले,
मेरा नमन यही है, मेरा बिल्व पत्र, मेरी भस्म यही है कि तू ये करना सीख, करना। लोगों की आंखों में मैं देखता हूं कितनी ईर्ष्या, कितना द्वेष, कितनी स्पर्धा, कितनी पॉलिटिक्स, कितनी राजनीति। त्यान आत्या त्यान आत्या हो तब चिंता होती है, तब चिंता। सत्संग से सुधारना हो तो बदल दो, ये मार्ग बदल दो और मार्ग में फिल्म लाइन में चले जाओ, कहीं और चले जाओ, करो और धंधा करो, क्योंकि इससे भी तुम्हारा काम ना बना तो अब बनने वाला नहीं, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, यदि इस बार ना बनी तो कभी नहीं बनेगी। सूरदास जी कहते हैं अब ना बनी तो इतना मूल्यवान जीवन तूने वृथा गवा दिया, बिल्कुल ऐसे तूने जीवन को बर्बाद कर दिया। हीरा जन्म तूने वृथा गवा, हीरा जन्म तूने वृथा गवा, सत्संग कीनो ना हरि गुण गायो, सत्संग कीनो ना हरि गुण गायो, जननी तेरी। मानो सूरदास जी के मुख से जरा कड़ा रुख निकला, कड़े शब्द निकल गए, तूने ये नहीं किया तो अब होगा क्या। जननी तेरी तुझको फिर ना जने, अब ना बनी तो फिर क्या बने, अब ना कर मन में मिथ्या धन में जोर, बदन में जीवन में सुख है सपन में, चपला धन में छन छन में तज वैर, वतन में द्वेष धरन में नाहक छन में, तरसाना चेत सयाना फिर नहीं आना, जग में आकर मर जाना जी, जग में आकर दुनिया दो रंगी प्यारे ए, तरक तुरंगी हो जा सत्संगी एकांगी, करने की कर से हाथ से नेक काम कर, करने की कर से डर पर धर से पाक नजर से धर प्रीति, जप नाम जिगर से बाल उमर से जसले जर से मन जी, गंभीर सागर से रहे सबर से मिले उधर से परवाना चित चैन सयाना फिर नहीं आना, कर मर जाना भी जग में आकर मर जाना भी जग में, जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी, अब ना बनी तो फिर क्या बनेगी, अब ना बनी तो फिर क्या बनेगी, भ्रम हो जाता है। समझदार लोगों को भी लगता है कि सब अच्छे होते जाते,
एक भाई ने एक भाई को फोन किया कि मगनलाल घर हैं? तो उनकी पत्नी ने फोन उठाया मगनलाल की कि है आप कौन बोल रहे हैं? बोले मैं छगनलाल बोल रहा हूँ। अच्छा, बोले आपका बेटा घर है जो पागल था, अस्पताल में था, कुछ मेंटली डिस्टर्ब था, तो अब ठीक है? बोले हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। बोले कि ठीक हो गया, मालिक की कृपा, शुक्र खुदा का, बिल्कुल अच्छा बात है, तो मैं आऊँ जरा देख लूँ, राजी हो जाऊँ कि आपका बेटा पागलपन से मुक्त हो गया। आइए घर, बहुत मैं आज घर में ही हूँ, आइए, बड़ी खुशी होगी, मेरा बेटा भी आपको देख कर राजी होगा, आप बहुत खुश हो गए, अच्छा हो। तो कोने फोन करो, छगनलाल करो, तो बोले आम आडावड़ू पर थी जाए तो तमें सहन कर लेजो के पास मूल मगनलाल नो दीकरो पागल है, क्या छगनलाल नो न थी जाए मारे। इसलिए तो मगनलाल के घर वो छगनलाल आए, स्वागत हुआ, जलपान हुआ, फिर कहा कि आप मेरे बेटे को मिलना हो तो मिलिए, बिल्कुल ठीक हो गया। वो मिलने गए, बहुत खुशी से गया कि अच्छा हो गया, चलो बहुत। लेकिन मिलकर आया तो मगन को कहने लगा छगन कि भाई कुछ फर्क तो नहीं हुआ, ये लगता नहीं। अरे बहुत फर्क हो गया। अरे बोले कुछ फर्क है, कैसे आपने किया कि? बोले मैंने पूछा कि तू कौन है, तो वो कह रहा मैं भारत का गृह मंत्री हूं। और तू कहता है ठीक हो गया? वो कहता मैं भारत का गृह मंत्री हूं। बोले इसलिए तो कहता हूँ ठीक हो गया, 15 दिन पहले तो कहता था मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, कितना तो फेर पड़ा, 15 दिन पहले कहता कि मैं तो प्रधानमंत्री, मैं तो प्रधान, इतना फर्क हुआ, इतना हुआ उसको कि गृह मंत्री निकल जाएगा, धीरे 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 पागल पर निकल जाएगा। भ्रम होता है, ठीक हो गए। व्यासपीठ समाज को कितना सुंदर देखना चाहती है, और पागल अपनी तरह ये पागलपन को सुरक्षित बनाए रख रहा है। तो बाप साधन हो, नौका हो, प्रभु का अनुग्रह रूपी वायु अनुकूल हो और कर्णधार सद्गुरु हो तो क्या नहीं होता, क्या नहीं। एक बार, क्योंकि मानव इंसान के पास दर्पण हो और दृष्टि, तुलसी कहते हैं दर्पण हो और दृष्टि न हो तो क्या करेगा, दर्पण कितना ही चाइनीज दर्पण हो मानो, लेकिन दृष्टि ही न हो तो क्या देखेगा दर्पण में। और आदमी के पास दृष्टि है और दर्पण नहीं तो भी क्या देखेगा। इसलिए तुलसी जी ने दोनों व्यवस्था की है। तुलसी जी ने कहा मानवी का मन दर्पण है और मानवी की विवेक बुद्धि दृष्टि है, तेही करी विमल विवेक विलोचन बरनऊ राम चरित भव भोचन। और अयोध्या कांड और हनुमान चालीसा में आप पाठ करते निज मन मुकुर सुधार, मन दर्पण बुद्धि दृष्टि, फिर भी दर्पण पर रज हो तो नहीं दिखाई देता, इसलिए गुरु चरण रज ते ही करी विमल विवेक विलोचन बरनऊ राम चरित भव भोचन। तो गुरु इतने प्रचंड होते हैं फिर भी हम लाभान्वित नहीं। जिसका गुरु वरिष्ठ उत्कृष्ट विशिष्ट वो ही वशिष्ठ है, उसको राम गुरु मिल गया। प्रचंडम प्रगल्भम प्रगल्भम परेशम अखण्डम अजम भानुभूति प्रकाशम त्रयशूलनि भजे हम भवानी
बीच में जो बोल गया एक वाक्य में खास बोला हूँ इसलिए याद रखना, शिकायती चित अध्यात्म में प्रवेश के योग्य नहीं, सम्यक चित चाहिए। दुख के कारण फरियाद करते हैं लोग, लेकिन कभी कभी देखा गया फरियादों के कारण दुखी हो रहे हैं। सत्य कहाँ है खोजना, व्यक्तिगत दर्शन हो सकता है सबका। ये शिकायतों के कारण दुख पैदा हो रहा है सबसे, और यही अज्ञान है, और अज्ञान दुख का जनक है, जनक बाप है अज्ञान। और करुणा ये है मेरे देखे में, मैं देखता रहता हूँ बहुत लोगों को ऐसे, वैसे मैं समूह में ही बोल लेता हूँ, व्यक्तिगत तो बहुत कम किसी को कहता हूँ, बहुत हो जाए तब कहता हूँ, वो भी सफल ना हो तो फिर चुप हो जाता हूँ, बोलना ही बंद कर देता हूँ, बहस क्यों करें, क्योंकि मूढ़ आदमी को कितना भी समझाओ तुम्हारे पर आरोप करेगा। रावण साक्षात मोह है, मंदोदरी उसको समझा रही थी तो वो क्या कह रहा है, अहो मोह महिमा बलवान। मंदोदरी को मोहग्रस्त कह रहा है, जो स्वयं मोह है वो मंदोदरी पर आरोप कराएगी, तेरे मोह मोह की महिमा बड़ी बलवान है, उल्टा डाल उसको क्या समझाए। अब तो तू और राम आमने सामने हो जा तब फैसला होगा, कोई कर नहीं पा। मंदोदरी ने कितना समझाया लेकिन वो उल्टा कर रहा है। बोलो, तुम्हारी पत्नी तुमको खास समझाए, दिल से समझाए, तुम्हारे परिवार के सुकून के लिए समझाए, और फिर भी तुम उन पर आक्षेप करो तो समझना क्या हो। बाप सदगुरु के इन रूपों को हम दर्शन कर रहे हैं, अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाश। सदगुरु में कोटि सूर्य का प्रकाश होता है, लेकिन ये प्रकाश तपाने वाला नहीं होता, शीतल प्रकाश। सदगुरु का प्रकाश सूर्य से कई गुना अधिक होते हुए भी वो तपाता नहीं, शीतलता प्रदान करता है। कोटि सूर्य का प्रकाश सदगुरु, उनका ज्ञान, उनका विचार। सूरज तो अस्त होता है, सदगुरु का विवेक कभी अस्त नहीं होता। सूरज को कभी राहु ग्रस लेता है संधि पाकर, सदगुरु की प्रभा को, सदगुरु के निजी प्रकाश को कोई राहु ग्रस नहीं सकता। सूर्य में तो ये सब होता है, ग्रीष्म में ज्यादा तप्त, सर्दियों के दिनों में कम, वो बहुत से परिवर्तन हो जाते, सदगुरु में नहीं होता। कोटि भानु का प्रकाश, वहां तक कल हम यात्रा कर चुके, अब आगे की पंक्ति संक्षेप। त्रयशूल निर्मूलनम शूल पाणी, हे शूल पाणी भगवान महादेव, आप भक्तों के तीन प्रकार के शूलों को निर्मूल करते, निर्मूल करते, ध्यान देना, भुलाते नहीं, बिसराते नहीं, हटाते नहीं, छिपाते नहीं, मिटाते हैं। और मिटना महत्व, कोई सदगुरु इतना काम कर सकता है कि तुम्हारे शूलों को छिपा दे, उनकी इतनी क्षमता होती है।
कोई होता है थोड़ा हटा दे और गुरु को जाते ही फिर आ जाए। कोई सदगुरु ऐसा है कि शूलों को हरा भी दे लेकिन हारा हुआ योजना बनाता है कि फिर कब हमला कर दिया जाए। छिपाते हैं, हटाते हैं, हराते हैं, भगाते हैं, लेकिन जो मिटा दे वो शंकर रूपीण सदगुरु। त्रय शूल निर्मूलनम शूल पाणि। हे महादेव, आप शूल पाणी हैं, त्रिशूल रखते हैं, क्यों कि अपने आश्रितों के तीन प्रकार के शूल को निर्मूल करते हैं। निर्मूल करना हो तो जाओ महादेव के पास। ऐसा सदगुरु, और तीन प्रकार के शूल हैं आप जानते हैं, आधिभौतिक शूल, आध्यात्मिक शूल, अधिदैविक शूल। ये तीन प्रकार के दुख, तीन प्रकार के शूल। आधिभौतिक शूल किसको कहते हैं, समझने के लिए थोड़ा उसका पृथक्करण करके समझ लिया जाए, क्योंकि तुलसी के हर शब्द में बहुत कुछ पड़ा है, पात पात खोलना पड़ता है। नई नई ब्याही पत्नी घर आई और पति ने कहा कि कौबीज की सब्जी बना, तो बाजार में गई, कौबीज ले आई। दोपहर एक बजे पति आया, रोटी दी और दिया सब्जी कौबीज की। बोले मैं तो ले आई थी, लेकिन तो क्यों? बोले मैं तो खोलती रही, कौबीज निकला ही नहीं। खोला, देखा कौबीज नहीं। जिसके पात पात खोलने से कुछ न निकले वो कौबी हो सकती है, लेकिन पात पात खोलने से नया नया रत्न निकले वो शास्त्र हो सकता है। हर सूत्र इसको खोलो। त्रयशूल शब्द का प्रयोग इस महाकाल के मंदिर में ये सदगुरु कर रहा है। त्रयशूल को निर्मूल करने वाला हे शूलपाणी तू है। तो ये त्रयशूल हैं, आधिभौतिक शूल, आध्यात्मिक शूल और अधिदैविक शूल। संतों ने ये सब ये तीनों शूलों की चर्चा की है, वही मैं आपको प्रसाद के रूप में बांट रहा हूं। संतन सन जो कछु सुने मही सुनायो सो। पूरी दुनिया व्यास का झूठा ही बोल रहे हैं। यहाँ नया क्या है, शैलियां बिलग होती है पेश करने की। हाँ, राहत साहब किस तरह कलाम कल पेश कर, उसकी बिल्कुल नई शैली थी, बिल्कुल बिल्कुल अद्भुत शैली से, अपने अपने ढंग की शैली। और आदमी को अपनी शैली में रहना चाहिए। इसने मुझे राहत साहब का शेर भी याद दिया है, कल हम सुन रहे थे राहत साहब इंदौरी को। इस शेर पर बहुत दाद ले गए थे कल, वो बहुत तालियां उसको मिली थी। वो ही शेर किसी ने मुझे लिख कर दिया है। जमीन पर आ गए आंखों से टूट कर आंसू, जमीन पर आ गए आंखों से टूट कर आंसू, जमीन पर आ गए आंखों से टूट कर आंसू, बहुत बुरी खबर है। आहिस्ता बोले, बहुत बुरी खबर है, फरिश्ते भी खताएं करने लगे, फरिश्ते लोग भी गुनाह करने लगे हैं, पाप करने लगे हैं, बहुत बुरी खबर है। आंखों से अश्रु टूट कर जमीन पर गिरे, जिस अंदाज से उसने पेश किया अंदाजे बयां और। वसीम बरेलवी साहब का भी एक शेर
कल की महफिल का, उसमें भी उसको बहुत दाद मिली थी। तुझे पाने की कोशिश में इतना खो चुका हूँ, ए हरि, तुझे पाने की कोशिश में इतना खो चुका हूँ कि तू मिल भी जाए तो मिलने का गम होगा। तू यदि मिल गया तो मिलने का गम होगा, बेहतर है कि तेरे पाने की कोशिश में जो खो गया हूँ खोया हूँ बना रहा, तू मिल जाएगा तो मिल। जैसे कुमार साहब कहते हैं ना, मेरे राह बर मुझको गुमराह कर दो, बाराबंकवी मरहूम कुमार बाराबंकवी साहब, मेरे राह बर मुझको गुमराह कर दो कि सुना है कि मंजिल करीब आ गई है। मंजिल आ जाएगी तो मौज नहीं आएगी, मिलन हो जाएगा तो सब बात खत्म हो जाएगी, इसलिए फिर मुझे भुलावे में डाल दो, फिर मुझे वो कर दो, फिर मैं उसको खोजूं, यही आनंद के क्षण है। तो वसीम बरेलवी साहब का वो है, तुझे पाने की कोशिश में इतना खो चुका हूँ, तू मिल भी जाए तो मिलने का गम होगा। और इस शेर पर भी वसीम साहब बहुत बधाई के अधिकारी हो चुके थे। मोहब्बत के आंसू है इन्हें आंखों में रहने दो, ये दर्द के नहीं है, ये स्वार्थ के नहीं है, ये दंभ के नहीं है, ये बनावट के नहीं है, प्रपंच के नहीं, ये मोहब्बत के आंसू। मोहब्बत के ये आंसू हैं इन्हें आंखों में रहने दो, शरीफों के घर का मसल्ला बाहर नहीं जाता। अच्छे आदमियों के घर की घटनाएं बाहर नहीं जाती, उसको रहने दो आंखों, ये मोहब्बत के आंसू है और किसी चीज के आंसू नहीं। किसी ने वो लिया है अच्छे से, एक और बीच में ले लूँ, एक और प्रश्न मैंने रख लिया यहाँ। शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम बूढ़े, कल मैं कह रहा था ना कि भाई युवाओं को चांस देना चाहिए, बूढ़ों को निवृत्त होना चाहिए, तो पूछा है किसी ने, पूछा तो होगा शायद एक श्रोता, तो ये पूछने वाला तो युवान होगा लेकिन प्रेरणा बूढ़े की रही होगी, जो हो खबर नहीं क्या अंदाज करे इसमें, लेकिन पूछा है, शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम बूढ़े को अपनी कर्मण्यता से, अनुभव से एवं प्रचुर समय से ट्रस्ट का भार नहीं उठाना चाहिए? उठाओ, मैंने मना क्या किया, मैंने तो मेरे विचार पेश किए, उठाओ, जिंदगी भर डोते रहो। भज गोविंदम, समय पक गया। हमारे सौराष्ट्र में किसान लोग कहते हैं कि अपने भोर भोर वाइगो खेत में जब बाजरी के खेत लहलाता हो, फिर भूरवाय भूरवायु वाय इतने सब पीले हो जाते हैं, पछी कहे हमें भूरवायु वाइगो से हमें लड़ी लो, एक उम्र हो जाए ना फिर तो हरी नाम लड़ी लोगा, कब तक ढोते कब तक, ये दुनिया तो तोड़ डालेगी फुसलाएगी, अरे तुम्हारे में बुद्धिक शक्ति है, तुम्हारा इतना अनुभव है, अभी भी तो कार्य कर सकते हैं, तो आप क्यों ना इस संस्था का बोझ, ये दुनिया तो बड़ी चालाक चढ़ा भी देश है। पीड़ा समय ने खेतरे क्षण लणवी छे, पीड़ा समय ने खेतरे क्षण लणवी छे, ढगलो करेली जिंदगी उपणवी छे, ढगलो करेली जिंदगी उपणवी छे। तो मेरी मना नहीं है, 90 वर्ष सुधी करो ट्रस्ट में रहो तो मेरी क्या, मुझे क्या तकलीफ है, लेकिन ओला लाइन में उभा धक्को मारी काढ़ी न मुके एना पहला समझी जाए। स्वतंत्रता जब दान में नहीं मिली ना, तब हर कंट्री में उसको छीनी गई है, उसके साथ इनकलाब पुकारा गया है,
स्वतंत्रता ऐसे ही स्वाधीनता राष्ट्रों को मिलती तो युद्ध नहीं होते, इतने लोग मरते नहीं। लेकिन जब मैं मिली नहीं समझदारी से, सब कोई गांधी को प्रकट होना पड़ता है, किसी को आना पड़ता है, बस तो छीनी जाती है, फिर क्या करें। कन्या जैसे जवान हो जाती है तो क्यों किसी वर्ग के साथ उसको जोड़ देते हो। फिर भी मेरा कोई वो नहीं है, जरूर रहो, मेरी शुभकामना आपके साथ है। ये चिट्ठी जिसने लिखे उसके साथ मेरी शुभकामना है, आप खूब दीर्घायु हो और खूब लंबे अरसे तक समाज की सेवा करो, थक जाओ इतनी सेवा करो, क्योंकि आप थके बिना हरि नहीं बोलोगे। अरे को हरि ना, थोड़ा जाग जाओ। अभी हमारे महात्मा जी जो रोज सुबह सुबह कुछ वचनामृत कह देते हैं, व्यवस्था संबंधी बात कर देते हैं, वो स्वामी जी एक दो पंक्ति गा गए थे, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, वो उसी गाई थी ना उसने, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी, क्या भरोसा है इस जिंदगी। कोई भी छात्र 35 मार्क्स से पास हो जाता है, 100 में से 35-40 ले पास। मेरे जीवन में तो मैंने यही गणित गिना है कि 35-40 साल तक जो करना कर लो, पास हो गए, बाकी का जीवन तो वरदान है, उसको शुभ में लो। 35 हाँ, हमारे उपनिषदकारों ने ऋषियों ने कहा कि आदमी शतायु हो, ये होना चाहिए, ये उपनिषद की बात है, कोई भी शताब्दी। लेकिन कभी शंकराचार्य की तरह 32 साल में भी जाना पड़े, विवेकानंद की तरह छोटी 35 साल में आदमी पास हो जाता है। गैरेज में खटला रखे, गैरेज गांव में बापा की खटिया, फिर दादा की खटिया गैरेज में रख, जहाँ कार रहती है वहाँ बापा रहता है। घर में जम जम संख्या वधे ने बाबा नो खाटलो बाहर निकलतो है, पहलो मुख्य उल्डा मातो ही हाँ, पर छोकरो पहनियो एटले आवी गयो मसरी, एने घरे छोकरा थया एटले आव्यो फळियो आमां सीधो, वळी पाछो संसार बज्यो एटले फळियानी बार पूछो ज केम, आ हवा आवे ने एटले, हवा नहीं तारी मजबूरी छे उका, तेरी मजबूरी है। मैं गुजराती बोलने लगा, माफ करिएगा, बीच में मूल भाषा तो आ ही जाती है, कितना फड़िया में पूछे 24 कलाक, कई लोगों की खटिया बाहर ही होती है, और पूछो तो विवेक होता है तो हवा में अच्छा लगता है, हम करता जो फिर वर्षा ऋतु में थोड़ा बाहर रखेगा, फिर गैरेज में रखेगा। ગાયની ગૌશાળામાં ઘણા ખાટલા હોય કે આ ગાય છે કે બળદ છે કે શું છે, મારો રામ જાણે દુનિયા ધક્કા દે, ઇસસે પહેલે ધક્કા દે દો દુનિયા કા, ઉસકા નામ સમજદાર લોગ। એક ભાઈ કા ઊંટ બીમાર હો ગયા, तो एक वैद्य के पास हो गया कि मेरा ऊंट बहुत बीमार हो गया है, दवा के है हर चीज की दवा। अब ऊंट के लिए तो दवा की मात्रा भी तो इतनी बड़ी होनी चाहिए, और ऊंट को दवा कैसे पिलाए, इतना बड़ा प्राणी, इतना बड़ी गर्द, ओ मुख कैसे। तो फिर पूछने गया कि वैद्य बाबा ऊंट को कैसे दवा पिलाए, बोले ये जो बड़ी बड़ी गोली दी उसको, कचोरी जैसी गोली, कचोरी ये ऊंटनी साइज नी गोली होवी जोईए ने, ना मोटी मोटी कचोरी रींगणा नहीं हारे आपवानुं कीधुं, गोली रींगणा बैंगन के साथ,
और फिर एक बड़ा पाइप था, पाइप जैसा, जो उसमें रिंग बैंगन भी रह सके, गोली भी रह सके, और कहा कि ये ऊँट के मुख में एक छोर रखना और अंदर ये सब गोलियां रखना और जोर से फूंक मारना, तो ऊँट के मुंह में गोली चली जाए। तो उसमें कुछ छोटी छोटी भी गोली थी। ओ हो, जब वो रोग ये भी प्रमाण था, तो छोटी छोटी भी कुछ गोलियां थी। तो कहा कि पहले वो गोली देना, फिर बाद में ये देना, ऐसा उसने। तो वो नली जो ली, उसमें छोटी छोटी गोली डाली उसने, और ऊँट के मुंह में वो छोर डाला, एक अपने मुंह में रखा, और कहा था कि फिर फूंक मार देना, तो फूंक से गोली ऊँट के पेट में चली जाएगी, 24 घंटों में तेरा ऊँट बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, फिर काम करेगा। वैद्य बाबा को कहा कि हो जाएगा, बिल्कुल मेरा वैदा कभी असफल नहीं रहा, तू जा। दूसरे दिन उनका पेट फूल गया, पेट इतलू मोटू थई गयू कि एना पोताना पग नो देखाय, इतना आदमी का पेट इतना बढ़ गया कि अपने पैर नहीं दिखाए, तृष्णा इतनी बढ़ गई कि आचरण क्या कर रहे हैं वो पता नहीं रहा, तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी। गोस्वामी जी के तो बेचारा रोता रोता आया वैद्य के पास कि आपने कहा था कि ऊँट के मुंह में वो नाली डाल करके फूंक मार देना तो उनके पेट में गोली चली जाएगी, वो स्वस्थ हो जाएगा, वो तो नहीं हुआ, मैं बीमार हो गया। हुआ क्या? बोले मैं फूंक मारूं इससे पहले ऊँट ने फूंक मार दिया। मैं सोचा कि अभी मारूं तो इन्हें फूंक कर गोली आ मारा पेट में आ दड़ो थे पेट आ संसार धक्का दे इसी से पहले भज गोविंदम क्या भरोसा है इसी क्या भरोसा है इसी जिंदगी साथ देती आइए साथ देती नहीं ये किसी का साथ देती नहीं ये किसी का साथ देती नहीं ये किसी का क्या भरोसा है कवि कहता है सांस रुक जाएगी चलते चलते सांस रुक जाएगी चलते चलते तेरी सांस रुक जाएगी चलते चलते सांस रुक जाएगी चलते चलते क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते ये क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते दम निकल जाएगा दम निकल क्या करे इतना विवेक रखे क्या। कभी कहता
हम रहे ना मोहब्बत रहेगी रहेगी हम रहे ना मोहब्बत रहेगी प्रेम शाश्वत है विवेक रहेगा प्यार रहेगा बाकी सब चला हम रहे ना मोहब्बत रहेगी रहेगी हम रहे ना मोहब्बत रहेगी दास्तां अपनी दुनिया कहेगी कहेगी दास्तां अपनी दुनिया कहेगी कहेगी दास्तां अपनी दुनिया कहेगी कहेगी दास्तां अपनी दुनिया कहेगी नाम रह जाएगा 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 श्री हरि का नाम रहेगा कबीर कहते हैं सब मर जाएंगे शून्य मरे अजपा मरे अनहद हूं मर जाए एक राम सने ही नाम रे कह कबीर समझा नाम रह जाएगा नाम रह जाए ठुमकू करी लो सुपर बीच बीच में एक आधा कर ले भज गोविंदम तो जरूर आप में मानसिकता भी अच्छी है और शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा है और अनुभव भी और प्रचुर समय भी आपके पास है तो ट्रस्ट का बोझ जरूर उठाओ संभालो इसमें क्या मुझे क्या आपत्ति होती लेकिन दुनिया चढ़ाई विदेश ही ध्यान रखो जगत तो कैसे कि आपके समान अनुभवी आप निकल जाएंगे ना सब टूट जाएगा ऐसा कुछ नहीं बदू आमने मजा ले वहीं कोई हो ही ना हो क्या फर्क पड़ता है क्या फर्क लेकिन दुनिया ऐसी कौवा बूढ़ा हो गया दिला कविता रखी ना कौवा बूढ़ा एक कौवा और श्रीगाल की जो कहानी जो भाई तो चतुर श्रीगाल की कहानी जो हम स्कूलों में पढ़ाते थे प्राइमरी स्कूलों में तो कौवा बूढ़ा था और उसके मुंह में पूरी थी और वो शाखा पर और श्रीगाल को तो पर नहीं पंख नहीं तो वहाँ तो नहीं जा सकता तो भूख तो श्रीगाल को बहुत लगी और वो शाखा पर तू गगन के चंद्रमा मैं धरा की धूल हूँ ऊपर देखे अब कौवे के मुंह से पूरी कैसे गिरवाएं और खुद खाएं तो वार्ता तो ऐसी है ना आप जानते हैं कि उसने कहा कि अरे चाचा जी अंकल
इतने दिनों से मुलाकात नहीं हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं चाचा जी। कौवा ने कहा सिरिला, कब से घुज रहा था, बहुत दिनों के बाद मुलाकात है, पैर छू रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं, आशीर्वाद दीजिए। अब श्रीगाल की तो योजना थी कि कैसे भी मुंह खोले और पूड़ी गिर जाए और मैं लेकर भागू। तो कहा कि चाचा जी कितना समय हो गया आपके मुख से कोई गीत नहीं सुना, कोई संगीत एक आध भोपाली गा दो। जय जननी जग जीवन धात्री, अभी उसको प्रस्ताव रखा है और ये गुनगुना रहा है श्रीगा। एक राग सुना चाचा जी, एक राग सुना। अब इरादा क्या था श्रीगाल का कि चाचा बोले और पूरी गिरे मैं खाऊं। तो कहानी तो ऐसी, वो गाने गया और पूरी गिरी चतुर श्रीगाल लेकर, नहीं मुझे कहानी को बदलना। एक ने एक वार्ता हमने महिला नो कर, उसको घुमाना चाहिए, उसको बदलना चाहिए। चाचा राग सुनाई, आप कितने बुजुर्ग हैं, क्या आपका अनुभव है, क्या आपका विवेक है, क्या आपकी गायन विद्या है, गंधर्व फीके लगते हैं, किन्नर तो आप घात करते हैं, अब कोई भी फूल जाए, कोई भी ट्रस्टी बन जाए, बूढ़े कौवा बेचारे सम पर नहीं आ सकते थे, बहुत मेहनत करते थे तो सम पर ही नहीं आ पाते, इस कवाली में तालमेल नहीं। तो चाचा जी एक राग सुना दीजिए, क्या आपके गले में क्या दर्द भरा, पूरी एटले मोटी साइज में पूरी बड़ी साइज। कौवे को लगा कि श्रीगाल मुझे, ये युवक मुझे प्रार्थना कर रहा, और मैं न अनुभव से सुनाऊं तो भी तो ठीक नहीं, चोंच की पूरी पैर के नीचे दबा दे। जय जननी गोपाल शुरू की, कहानी बदल रही है। पहला भोपाली राग सीखा जब मैं ट्रेनिंग में था, शिक्षक थी तब हमारा एक, कुछ राग सिखा रहे तो पहला भोपाली सिखा रहे। अब सब नोटेशन निकल गया उस समय, सा सा ध प ग रे सा सा ध प ग रे सा रे ग प ध सा सा ध प सा सा ध सा रे रे सा 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 ध प ग रे सा रे ग। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रव भूस दशरथ अजीर बिहारी, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की भाई। मंगल भवन मंगल भवन मंगल हारी। आखो भोपाली कागड़ाई गायो, पूरी दबावी बैठो। श्रीगाल को हुआ कि योजना विफल हुई, ये तो बड़ा चालाक निकला,
तू तो कहता था आप बहुत अनुभवी हैं, आपके पास प्रचुर समय है, आप भी बुद्धि का लाभ दो। श्रीगाल फिर भी श्रीगाल है, चालाक है। उसने कहा चाचा जी क्या गायन है आपका, वारी जाओ, क्या बात, जियो जियो जियो। लेकिन काका जी बहुत समय से आपका नृत्य नहीं, डांस आपका नहीं देखा, आप जो थिरकते हैं आपके प्रेम, आपके पैरों से जो कथक की सृष्टि होती है, आह क्या नाचते, हंस शर्मा जाते, कोकिला तो आप गात करती है जब आप गाते, और हंस सब मान सरोवर में जाकर डूब जाते, इसलिए दिखाई नहीं देते। तो पूरी जांच मार ले, नाचवा भतरीजा, हाँ बड़ ले गीत, हाँ बड़ भतरीजा, जांच मां पूरी है ने, उसने नृत्य किया। मंगल भवन प्रभु सुदस, प्रभु सुदस मंगल नाचो काकड़ो पूरी मोटा सियाल के हद नो भावो निकलो गजब, बड़ा बूढ़ा बड़ा विचित्र निकलो। लेकिन श्रीगाल आखिर श्रीगाल, उसने कहा चाचा जी नृत्य और गान दोनों एक साथ हो जाए, चार चांद लग जाए, चाचा जी आप तो बुजुर्ग हैं, कृपा करो चिरंजीवियों पर, दोनों हो जाए। पूरी खाई गयो वो उतरियो हेठो ले हूँ गाँव ने नाचू, सियाल उभी पूछ रही है भागी गो क्या आने, आज दुनिया तो चढ़ा देगी कि आप बहुत चतुर हैं, आप तो बुजुर्ग हैं, प्रचुर समय आपके पास है, मानसिकता भी बहुत है, शारीरिक है, इसलिए थोड़ा और ठुमका लो और गाओ तोड़ी नाक्षे जगत, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। तो ये बीच में जो प्रश्न आया उसको मैंने बीच में उठा लिया, क्षमा करें, क्योंकि कल के मेरे निवेदन पर पूछा गया ये प्रश्न था, इसलिए मैंने उठाया। तो बस इतना ही, फिर आ जाइए मूल बात पर। प्रचंडम त्रयशूल वीरमूलम् शूलम्
राम रह जाएगा, केवल श्री हरि का क्या भरोसा है इस जिंदगी का क्या भरोसा। इससे पहले लोढ़ू तपेलू होई त्यारे घा करी लो, ऊंट फूंक मारे इससे पहले हम फूंक मार दे, वरना ऊंट की फूंक उधर वृद्धि का रोग हो जाएगा। पछोली मोटी गोली इन पछी प्रयोग मुकी कचोरी जेवी जो गोली हती ने ड्रिंगणा वाली हती ने पछी रहवा दीधो, क्या आ क्या का हामी फूंक मारे ने आ जो कड़के आपणे एमने राखी तो न मुकाई जाय, उपाड़ो उपाड़ी गयो तू उपड़ी जाय पछी करवू छू केवो थाय। क्या कर, आनंद बहुत आता है, खबर इस जिंदगी में आनंद बहुत पाया, आह दुनिया को ईर्ष्या हो जाए इतना आनंद प्राप्त किया। और मेरी समझ में नहीं आता कि ये व्यासपीठ की ओर लगे हुए लोग इस आनंद से क्यों वंचित रह जाते हैं, हाँ क्यों ये दंभ द्वेष ईर्ष्या ये राजनीति। डर्टी सोसाइटी, गंदी सोसाइटी है, इससे बाहर आओ। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दुनिया अपनी दासता कहेगी। प्रेम से जियो, आंखों में अमृत रखो, हाँ किसी के सामने देखो तो ऐसे मत देखो, बोली में अमृत रखो। मैंने आपको एक दिन सुनाया था, प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग जुत सुनि विधि की भर वाणी, वाणी में इस प्रकार का भाव। निमित्त कारण न मिटा पाओगे, उपादान कारण मिटाने की क्षमता है। मन दर्पण है, बुद्धि दृष्टि है, और उस पर रज चढ़ जाए तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनाऊ रघुबर विमल जस जोदायक फल। ऐसा तुलसी जी का मानना है, हा? तो तीन प्रकार के शूल वो क्या है, आधिभौतिक आधि आध्यात्मिक दैवी, तीन प्रकार के शूल है। भगवान महादेव इन शूलों को निर्मूल कर दे जो उनकी शरण में चला जाता, महादेव महादेव। समझ ले केवल जो संतों से सुना है समझा है वो तो प्रसाद है। आदि भौतिक शूल किसको कहते हैं, चलते थे आपके पैर में कांटा चुभा, पीड़ा होने लगी, जा रहे थे भीड़ में आप गिर गए लहूलुहान हो गए, एक पीड़ा होने लगी, बुखार हो गया, कोई महारोग हो गया, आंख में कुछ तकलीफ हो गई, शरीर में कुछ ऐसा अटैक होने लगा, शारीरिक स्तर पर जो हो इसी पीड़ा को शास्त्रीय भाषा में आधिभौतिक शूल कहते, जो शारीरिक स्तर पर है। कभी फोड़ा हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, शरीर के शरीर की धरा पर जो मुश्किल आती है और हमारा मानस दुख महसूस करता है उसी दुख को आधिभौतिक यानी आधिभौतिक शूल कहते हैं। सीधी सी व्याख्या, आध्यात्मिक शूल क्या है, शारीरिक स्तर पर कोई न फोड़ा है न बुखार है न लकवा है न आंख में कोई कमजोरी है न कान के देवता चले गए हैं न दंत गिर गए हैं न कोई शूल खिला लग गया है न कोई कुछ नहीं है न डायबिटीज है न न कुछ ब्लड प्रेशर है कुछ नहीं। चलो एक वस्तु तो समझ लो, इंसान का शरीर रोग का घर है, वात पित्त कफ सब में हुआ करता है, उससे तो शरीर रहता है, ऐसा तुलसी कहते हैं। सम्यक रूप में रहे तब ठीक है,
बस एक दूसरे अपनी सम्यकता छोड़कर जब बढ़ जाते हैं उसको फिर वात प्रकोप, कफ प्रकोप आदि आदि हम नाम दे देते। बाकी तीनों का सम्यक होना शरीर का होना है। तो शारीरिक धरा पर जो कष्ट होता है उसको आधिभौतिक शूल कहते हैं, आध्यात्मिक शूल उसको कहते हैं। शारीरिक धरा पर कुछ नहीं है लेकिन भय लगता है, बात बात में भय लगता है, क्या होगा क्या होगा, बात बात में चिंता रहती, चिंता। अनुकूल हुआ हर्ष हो जाता है, अनुकूल न हुआ दूसरी ही क्षण एकदम उदासीनता छा जाती। जो मानसिक स्तर पर पीड़ा है उसको आध्यात्मिक शूल कहते हैं। कई लोग शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ होते लेकिन आध्यात्मिक रूप से पीड़ित है। कई लोग आप देखिए सब तरह के सुखी होते लेकिन भय उसको भय ग्रंथि उसको परेशान करता। मैं छोटा था तब मेरे, आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने तो देखा ही है इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक दो व्यापारी हमारे गांव में छोटे छोटे दुकान के, उसमें इतना भय होता था कि शाम को वो दुकान बंद करे और ताला लगाए तो ताले को जोर जोर खटखटाए फिर चले, हम देखते उसको, फिर थोड़ा दूर जाए फिर उसको भय रहता है कि ठीक से बंद हुआ, फिर लौटता फिर हिलाता फिर जाए 15-20 मिनट इस, फिर गांव के लड़के भी शरारती थे, मैंने तो ऐसा नहीं किया था लेकिन जो और थे, मैं सही कह रहा हूँ, तो और लड़के जो शरारती थे वो क्या करते थे कि वो बेचारा आधा रास्ता काट लेता वहां जाकर, चाचा जी ताला ठीक से हुआ कि नहीं, फिर बेचारा लौट। ये आध्यात्मिक शूल है या तो चिंता, कई लोगों को देखिए चिंता ही करते क्या होगा क्या होगा। अस्तित्व सबका शुभ ही करता है, तुम्हारा भरोसा मंद हो जाता है, इसलिए ये चिंता चिंता चिंता। तुलसी जी लिखते हैं चिंता सापिनी नहीं खा, चिंता तो सर्पिनी है खा जाएगी, साप नहीं है, ध्यान देना। तुलसी का, तुलसी के बारे में क्या कहो, हाँ उसने चिंता को साप नहीं कहा सापिनी कहा, क्योंकि साप से सापिनी बहुत खतरनाक है, क्यों कि खा दे क्षुधार। जब सांपीनी को भूख लगती है तो अपने बच्चे को अंडे को खा जाए, चिंता एक ऐसी सर्पिणी है कि सब कुछ खा जाए, सब कुछ खा जाए। मैं समझ रहा हूं बोलना बहुत आसान है लेकिन समय आने पर धैर्य रखे वो ही तो जीता, क्यों चिंता करने से बात बन जाती तो ठीक है। सोचो उसमें हरी इच्छा रही होगी, चिंता कई लोग बहुत चिंता करते हैं, बात बात में चिंता बस। मेरी व्यासपीठ सदा सदा मेरे श्रोताओं की मानसिकता का अभ्यास कर रही, बिल्कुल अभ्यास कर रही, कितनी चिंता हम सब साथ में चिंता 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 बस। हमारे राम जी मंदिर में जब बहुत वर्षा होती थी गांव में तो लोग वहाँ फिर मंदिर में सोते, तो मंदिर में सोने वाले सोचता कि ये घंट मेरे पर तो नहीं गिरेगा, वो कोने में सोया है और घंट गिरकर दर्द तो लेकिन फिर भी ये चिंता उसको खा जाती, ये घंट मेरे पर गिरेगा, तेरे लिए घंट लटकाया है। बहुत चिंता, ये सब मानसिकता है ना, रोगों का सर्जन करती है। कम चिंता करो रोगों को, या तो योग चिकित्सा जो हमारे श्रद्धेय रामदेव जी करा रहे हैं, कई महात्मा करा रहे हैं, कई इस तो ये तो पूरी परंपरा प्रवाह, इन प्रवाह में कई महापुरुष ये सब करा रहे हैं। राजेश रामायण हाँ आइए,
तो बाप चिंता बड़े बड़ों को छोड़ती नहीं। एक प्रमाण देकर आगे बढ़ू, गाधी तनय मन चिंता, गाधी तनय मन चिंता, हरि बिनु मरहि निश्चर पार। लेकिन संत की चिंता तो चिंतन होती है, तो चिंता भय द्वेष ईर्षा ये सभी जो मानसिक स्तर के शूल है उसको आध्यात्मिक शूल कहते हैं। भूचाल हो गया, भूकंप आया, अतिवृष्टि अनावृष्टि, दैवी प्रकोप के कारण जो कुछ संसार में घटता है उसको आदिदैविक शूल कहते हैं। महादेव कौन है? मानसिक धरा वाले दुख, शारीरिक स्तर वाले शूल और दैवी प्रकोप के कारण कुछ घटनाएं घटती हैं। तीनों शूलों को निर्मूल करने वाले ये शूल पाणी है। प्रकोष्ठं प्रगल्भं परेशं अभद्रं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयः महादेव ये तीनों प्रकार के शूलों की निवृत्ति करा देते हैं, क्योंकि ये शूल पाणी गरुड़ जी ने काकभुसुंडी जी को पूछा कि आपके गुरु ने आपके लिए रुद्राष्टक गाया, शिव से शाप का अनुग्रह करवाया, आपके तीनों शूल मिट गए क्या? रो पड़े भुसुंडी, आधिदैविक आध्यात्मिक आधि भौतिक, हे खगराज वो शूल तो मेरे सदा सदा के लिए मिट गए। अरे क्या कहूं, हरि ने इतनी कृपा की कि तुम तो जानते हो कि मैं जहां बसता हूं वहां जो जन प्रजंत माया का परिवार का कोई बच्चा नहीं फड़क सकता, कौन पीड़ा आ सकती है। और तुम्हें को तो अनुभव हुआ है देई की परम पावन तव आश्रम, गयव मोह संशय नाना भ्रम। तो बताइए बाबा की आपके तो शूल मिट गए ना? बोले वो प्रसिद्ध शास्त्रीय शूल जो है वो तो मिट गए, लेकिन एक शूल मोहि विसरन का विसरन ना गुरु हो मन सील सुभ
स्मरण जब भी भुसुंडी जी को होता था इनकी आंखें डबडबा जाती कि एक शूल मैं भुला नहीं पा रहा हूं जिस गुरु का मैंने अपराध किया, उनका शील और उनके स्वभाव के बारे में क्या। शील बड़ी महिमावंत वस्तु, इनमें भी गुरु का शील क्या कर? ये अष्टक है ना, शिव अष्टमूर्ति है, उस एंगल का गान तो ओंकारेश्वर में किया गया। एक एक बंद शिव की अष्टमूर्ति का अनुबंध है, लेकिन गुरु भी तो अष्टमूर्ति है। ये आठ मूर्तिपना गुरु में भी तो होता है। एक है गुरु ज्ञान मूर्ति होता है, अष्टमूर्ति गुरु ज्ञान मूर्ति होता है, वेद स्वरूप होता है, विभूम व्यापकम ब्रह्म ब्रह्म भेद स्वरूप ज्ञान मूर्ति गुरु होता है। दूसरा गुरु विश्वास मूर्ति होता है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास विश्वास मूर्ति गुरु होता है। कोई कोई साधक, कोई आश्रित, कोई प्रपन्न सेवक शिष्य अपने गुरु की कोई सी भी प्रकार की मूर्ति बना सकता है। जो भागवत जी में मूर्तियों के प्रकार, बालू की, मृतिका की, धातु की, स्वर्ण की, रजत की, काष्ठ की, जो मूर्तियों के प्रकार बताए, किसी भी सक्षम और श्रद्धावान सेवक अपने गुरु की मूर्ति बना सकता है। बना, श्रद्धा का अपना अपना विषय है, लेकिन गुरु तो वास्तव में इस प्रकार की मूर्ति होता है, वो ज्ञान मूर्ति होता है, वो विश्वास मूर्ति होता है, उसकी प्रतिभा ही उसकी प्रतिमा है। सदगुरु की अपनी प्रतिभा ही अपनी शाश्वत प्रतिमा। इसके इसका मतलब ये नहीं समझे कि प्रतिमा का कोई मूल्य नहीं। जर्मन कवि को कहना पड़ा था, बनी घटना जर्मन कवि की, इतना गरीब था बूढ़ा जर्मन कवि को वहां के शासन ने कहा कि सरकार चाहती है आप इतने बड़े कवि हैं, आपकी पंच धातु की मूर्ति इस गार्डन के केंद्र में रखना चाहती। तो जर्मन कवि की आंख में आंसू आ गए, उसने कहा कि कितना खर्चा होगा? बोले 5 लाख। तो बोले ये खर्चा मत करो ना, रोज मैं यहाँ खड़ा रहूँगा, प्रति मास 500 रुपया घर भेजा करो ना, मैं स्वयं खड़ा रहूँ। व्यक्ति की प्रतिभा ही प्रतिमा, और वस्तु तोड़ी भी जा सकती। मूर्ति भंजक शासनों का भी हमने अनुभव किया है इस देश में, लेकिन भारत की प्रतिभा नहीं कोई तोड़ पाता। भारत की जो एक प्रतिभा है, मेरे देश के ऋषि मुनियों की, आर्ष दृष्टाओं की जो एक प्रतिभा है, उसको कोई तोड़ नहीं पाता। असल में सदगुरुओं की प्रतिभा ही उनकी शाश्वत प्रतिमा है। गुरु होता है ज्ञान मूर्ति, गुरु होता है विश्वास मूर्ति, गुरु की एक तीसरी मूर्ति है शास्त्र मूर्ति। दक्षिणा मूर्ति का गुरु कुछ नहीं बोलता और शिष्यों का संशय छिन्न हो जाता है, स्वयं शास्त्र मूर्ति। उसका होना, सदगुरु चलता फिरता शास्त्र। ये निवेदन मेरा नहीं है, ओशो रजनीश का है, उसने ऐसा कभी कहा था, मुझे अच्छा लगा। तो सत्य जहां से मिले
चलता फिरता शास्त्र। सदगुरु समस्त शास्त्रों का पुनर्जन्म है, ये उनका बात मुझे तो अच्छा लगा इसलिए। और जो चीज जहां से मिले आदर के साथ उसको स्मरण करके बांटनी चाहिए, वरना तुकाराम कहते हैं प्रज्ञा अपराध हो जाएगा। बहुत से अपराधों की गिनती इनमें स्वामी रामदास जी ने भी कहा, प्रज्ञा अपराध, चोरी, अस्तित्व में चोर दरवाजा नहीं है, कितना ही छिपाओ कभी तो बाहर आ जाएगा। हमारे साहित्य में लिखा है, तारों के तेज में चांद छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं, बादल छायो रील पड़े, रजपूत छिपे ना, दातार छिपे नहीं, मंगल आयो चंचल नारी को नहीं छिपे नहीं, प्रीत छिपे नहीं, तीर्थ दिखायो गंग कहे सुन शाहक बर, कर्म छिपे नहीं भभूत लगायो, कर्म छिपे नहीं भभूत लगायो, कर्म छिपे नहीं भभूत लगायो। कितने ही तारे जगमगा उठे लेकिन चांद को छिपा नहीं सकते, चांद चांद है। सूर्य छिपे नहीं बादल छायो, कितने भी घने बादल हो लेकिन दिन को रात में पलटाया नहीं जाता, उसकी मौजूदगी तो वो दिखाई देता है कैसे भी। बादलों की घटा से सूर्य छिप नहीं सकता, तारों के तेज में चांद छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं, बादल छायो रीढ़ पड़े, रजपूत छिपे ना, कोई ललकारे तो सच्चा क्षत्रिय कभी छिपे ना। एक जवान लश्कर में भर्ती हो गया तो दूसरे ही दिन लौट आए, पहले तो बहुत क्या था, बस मुझे सरहद पर जाना, लश्कर में जाना, करो या मरो, जय जवान जय जवान, किसान न बोले खाली जय जवान जय जवान। तीसरे ही दिन आया घर, माता पिता ने मित्रों ने पूछा क्या हुआ, कि सरहद पर किसी को दया ही नहीं है, सब मार काट कर, तो वहां तेरी आरती उतारेगा, वहां तो यही होगा, सच्चा क्षत कायर ऐसे निकलते। रीढ़ पड़े रजपूत छिपे ना, दातार छिपे नहीं, मांगन आयो, और दातार के घर कोई भिक्षुक आए तब दातार छिप नहीं, घर में कुछ भी ना हो लेकिन दातारी छिपी नहीं रहती। सूफी संत के झोंपड़े में एक फकीर गया, अकेला था, कुछ घर में नहीं, आया, बड़ी ठंडी थी, ठिठुरता था, कंबल दे दिया, घर में जो कुछ था सब कुछ दे दी, अपनी झोंपड़ी दे दी। सूफी बाहर निकल गया और फिर बड़ा दुखी हुआ, उसने कहा कि आपने सब कुछ दे दिया। अरे बोले क्या खाक दिया, इच्छा तो होती है दे नहीं पाता क्या करूं, इच्छा होती है कि आकाश का चांद लेकर तुम्हें दे दूं, तुझे तो चांद देना चाहिए, यह औदार्य, क्योंकि दातारी छिपी नहीं रह सकती, कंजूसी भी छिपी नहीं। हमारे एक जगह भागवत जी की कथा थी और एक महापुरुष कथा कर रहे थे इसी बात है को, तो जब कृष्ण जन्म होता है ना, आज राम जन्म करना है ना, जो हो गए बाबा जो, क्योंकि वो तो निज इच्छा निर्मित तनु है, हुआ तो हुआ वरना कल, वांदो नथिन भाई, कोशिश करूंगा लेकिन देखो। तो वो जो नंदोत्सव होता है ना, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, तो कृष्ण जन्म महोत्सव, तो एक कंजूस स्टेज पर चढ़ा और रुपया पैसा उछाला, पूरे श्रोता गण आश्चर्य में डूब गए कि हद है, कलयुग उतर गया क्या, कलयुग पूरा हो गया, सतयुग का आज से आरंभ हुआ कि एक कृपण। तब किसी ने कहा कि महाराज की पोथी पर जो पैसे थे ना वो उछल रहा था, नंद घेरा घेरा आनंद है, खुद का नहीं उछल रहा। दातार छिपे नहीं, मांगन आयो चंचल नारी को, नैन छिपे नहीं,
चंचल स्त्री के नेत्र छिपे नहीं रहे, चंचल नारी का नयन छिपे नहीं, प्रीत छिपे नहीं, पीठ दिखाए कोई सालों विदेश चला जाए तो क्या प्रीत छिपती है, वो तो निश दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर जब से श्याम सिधारे, निश दिन बरसत नयन प्रीत छिपे नहीं पीठ दिखाए, गंग कहे सुनो शाहक बर कर्म छिपे न भभूत निवारे। कितना ही हम वो करें अपने कर्म थोड़े छिपे रहते, थोड़े छिपे तो बाहर निकलेंगे। एक किसान बीज बो रहा था खेत, एक आदमी निकला, अच्छी अच्छी वर्षा हुई, खेत भी बहुत समय पर बो दे तो बहुत मबलक पाक हो जाए, और वो बो ही रहा था, श्री गणेश कर रहा था। एक आदमी आया, उसने कहा कि क्या बो रहे हो, तो किसान ने कहा नहीं बताना है, जा तुम क्यों पूछ, कौन पूछने वाला, नहीं बता जा। अरे भाई बताओ ना, इसमें कोई मैं थोड़ा कोई चोरी कर जाऊंगा, तुम बीज बो रहे हो तो बताओ ना क्या बो रहे, बोले नहीं बताना जा। तो उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि न बताओ कोई बात नहीं, 24 घंटे में तो अंकुर हो जाएगा, पता लगेगा कि तूने ब्याह, तो उसने कहा तो बोना ही नहीं, लो घर चला गया, पूरा खेत ऐसे ही रखा, तो बोना ही नहीं, तू कैसे जानेगा, बिना बोए चला गया। कर्म छिपे न भभूत लगायो, लाख कोशिश करो कर्म बीज समयांतर पे अंकुरित हो ही जाता है। तो छिपता नहीं, अभिप्राय मेरा यह है मेरे भाई बहन कि लाख कोशिश करे कहां छिपता है, प्रकृति पूरी खुली रहती है। तो गुरु ज्ञान मूर्ति है, विश्वास मूर्ति है, शास्त्र मूर्ति, समस्त शास्त्रों का पुनर्जन्म सदगुरु है, ऐसा कहा था, इसलिए मैं नाम से कह रहा हूँ, मुझे बात अच्छी लगी, क्योंकि छिपाना प्रज्ञा अपराध, पर छिपी बात ज्ञान मूर्ति सदगुरु विश्वास मूर्ति, विश्वास करने योग्य है वो, शास्त्र मूर्ति तपो मूर्ति, सदगुरु त्याग मूर्ति होता है, त्याग का साक्षात विग्रह होता है त्याग। सातवां है सदगुरु भाव मूर्ति है, भजे हम भवानी पति भाव गम्य, भाव उनके समान भाव कहां होता है। और सदगुरु शील मूर्ति होता है, शील एक सूर मोहि बिसरन काहू अगुरु कर कोमल शील सुभा। शील मूर्ति गुरु का स्वरूप है, और शील के समान कौन संपदा। मैंने कहीं एक बात सुनाई है, हिरण्यकशिप को जब पराजित कर दिया गया, देवताओं को कष्ट से मुक्त किया नृसिंह भगवान ने, लंब भुजा कर पकड़ ली, कवि काग लिखते हैं, तब लंब भुजा कर पकड़ लिया, तो फिर देवताओं का कष्ट तो मिट गया, लेकिन देवराज इंद्र ने भगवान को कहा कि आपने हिरण्यकशिप को तो मार दिया, लेकिन स्वर्ग की सभी संपदा तो प्रहलाद के हाथ में आ गई, ये मर गया वो तो अच्छा हुआ, लेकिन वारसदार तो प्रहलाद बन गया, आपने उसको गोद में बिठाया और क्या क्या नहीं किया उसके बारे में आप। भगवान ने कहा इसमें ये कोई बात हमारी नहीं हुई थी, हिरण्यकशिप को मारने की बात थी, वो मैंने कर डाला, लेकिन इसको मारकर जो हमको भोग भोगना था और पूरे स्वर्ग की संपदा उनके बेटे के हाथ, हमारे पास क्या बचा, बोले अब कुछ नहीं हो सकता, तो एक काम है, बोले तू ब्राह्मण का रूप लेकर भिक्षुक बनकर प्रहलाद से मांग, मेरा भक्त है दे देगा,
इंद्र ब्राह्मण के रूप में आता है और प्रहलाद से भिक्षा मांगता है कि आप सम्राट हैं और आपसे मैं भिक्षा मांग रहा हूँ, आप जो मांगो सो। बोले तू जो मांग दे दो, भिक्षुक मेरे आंगन आए जो मांगो। तो कहे सब कुछ मुझे दे दो। प्रहलाद खड़े हो गए, भगत शिरोमणि है मेरे गोस्वामी जी की मानसिकता में, खड़े हो लो ले जा सब, सब दे दिया। आखिर में देवराज इंद्र कहता है कि एक चीज आप बचा रहे वो भी मुझे दे दीजिए। बोले कि आपका शील। प्रहलाद ने कहा वो नहीं दूंगा। अरे बोले आपने तो वादा किया कि मैं सब कुछ दे रहा हूं, तो आप वचन भ्रष्ट हो रहे हैं, मैं शील मांग रहा हूं। बोले शील के कारण तो सब कुछ दे रहा हूं, वरना मैं जानता हूं कि आप इंद्र हो और मैं वैसे स्थूल रूप में असुर पुत्र हूं। अभी तेरा गला पकड़ करके तू वेश परिवर्तन करके आया, मुझ में शील न होता तो तुझे एक कौड़ी न मिलती और तुझे हत्या हो जाती, तेरा वध हो जाता। ये शील के कारण तुम बचे हो, शील के कारण मैं सब कुछ दिए जा रहा हूं, वो शील मैं नहीं दे पाऊंगा। गुरु कर को शील तो भुसुंडी जी बाबा कहते हैं मेरे तीनों शूल तो गुरु कृपा से मिट गए, लेकिन एक शूल कभी भूला नहीं जा पा रहा है कि ऐसे साधु स्वभाव के गुरु को मैंने ऐसा ऐसा सोचा। प्रचंडम प्रकृष्ट प्रचंडम अजम प्रकाश त्रय हरी है चक्र पाणी, हर है शूल पाणी, जो तीनों शूलों का, और तीन तो प्रधान शूल है, बाकी तो कितने कितने शूल है कौन गिनती कर सके। मोह सकल व्याधिन कर मूला, और इनसे अनगणित शूल की सृष्टि होती है, शिव की कृपा से निर्मूलन होता है, क्योंकि शिव शूल पाणी है। शूल कहते कांटे को भी, महादेव शूल को अपने हाथ में रखते हैं ताकि ये कांटा किसी के पैर में न चुभे। ये इंसानियत है, ये शंकरम पणा है उसका, कि कांटों को अपने हाथ में रखना, रास्ते से कांटे उठा उठा कर अपने हाथ में रखना ताकि औरों को कांटा चुभे ना। शूल पाणी, शूल पैर नहीं है शिव, शूल पाणी। भजे हम भवानी पति भागदम्यम, भवानी माँ है, जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर, और आप भवानी के पति हो, आप भाव गम्य है, आपको ज्ञान गम्य तो आप है ही, लेकिन किसी में ज्ञान की क्षमता न हो तो आप उनके लिए भाव गम्य है, आप भाव से प्राप्त होते। और भोले बाबा तो बिल्कुल भोले हैं, भावांजलि से तृप्त हो जाते, कुछ नहीं।
एक बिल्व पत्र कोई दे दे और क्या न कर दे। हमारे महात्मा लोग सुनाते रहते हैं, चोर चोरी करने निकला कुछ नहीं मिला, तो शिव मंदिर था ऊपर जलधारी लटक रही थी, सोचा कि जलधारी ले लूं कम से कम चोरी का मुहूर्त तो हो जाए। ऊपर लटका गया था, पुजारी कोई पकड़ ना पाए तो उसने सोचा कि यहाँ कांट टेबल लाएं, तो शिवलिंग खासा बड़ा था तो सोचा कि मैं थोड़ा पूजा करने आया हूँ, शिवलिंग पर चढ़कर जलधारी उठा लूं। तो चोर शिवलिंग पर चढ़ा और जलधारी लेने गया ही प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम तथा शिवलिंग फटा और बाबा भोले बाबा बात मांग मांग मांग। बोला नहीं तो आंखें बंद था ही नहीं, खुले नहीं, स्तंभित स्तब्ध हो गए कि ये क्या है? मांग बेटे मांग। आप शंकर हैं? बोले हाँ। तो मैं पूजा करने नहीं आया था, मैं चोरी करने, मैं जानता हूं, लेकिन मांग जो चाहिए मांग। लेकिन बाबा आपकी भ्रांति हो रही, मैं चोर हूं। अरे जो भी हो, मैंने कहां पूछा है, तू कौन है? मैं कौन हूं वो तुझे पता है ना? हाँ तो मांग। बोले चोर पर आप कृपा करोगे, इतना अनुग्रह करोगे, क्या मैसेज जाएगा? अरे तू छोड़ने मैसेज बात, खुश हुआ वो नहीं था, मैसेज की बात करता है, इतना पढ़ा लिखा मैसेज कथा करता रहता है, छोड़ने मैसेज, मसाज करा शिवलिंग को गंगा जल से भस्म से लेपन कर, ये सब छोड़ मैसेज। लेकिन बाबा गलत बात जाएगी कि आप ठीक से ऐसे पापियों को भी वरदान? बोले ये मुझे सोचना है, तुम्हें कहाँ सोचना, ना समझी क्यों करता है बचपना, मांग ले चला जाऊंगा शिव फिर अंदर, तो फिर नहीं निकलूंगा श्रावण महीना सुधी मां। लेकिन आप गलत जगह पर। एक बच्चा डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने उसको कहा कि बेटा ये सफेद गोली है वो हार्ट के लिए है। अच्छा, सफेद गोली हार्ट के लिए, ये लाल गोली है ना वो जठर के लिए है, लाल गोली जठर के, ये पीली गोली जो है वो फेफड़े के लिए है। सफेद गोली हार्ट के लिए, लाल गोली जठर के लिए, तीजी कई गोली पीली गोली फेफड़े के लिए। गोली पास आड़ी ओड़ी न होता है, नहीं तर कुछ ये गड़बड़ हो जाएगी। और काली गोली जो है वो कान के दर्द के लिए, याद रखना, इधर उधर हो गई तो मुश्किल। बोले एक प्रश्न पूछूं डॉक्टर, क्या? कि मैं तो ख्याल में रखूंगा कि सफेद गोली हार्ट, लाल गोली जठर, पीली गोली फेफड़े के लिए और काली गोली कान के लिए, लेकिन गोलियों को तो याद रहेगा नहीं कि मुझे कहाँ जाना है। आपके वरदान को पता तो है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, गोली कहाँ हार्ट वाली फेफड़े में चली जाए तो मेरी जिम्मेवारी नहीं, उनको तो जरा पढ़ा करके देना, क्योंकि मैं तो समझ रहा हूँ कि ये गोली इसके लिए है, लेकिन उसको भी तो भान होना। महादेव आप तो सदगुरु वैद है, त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आपके आशीर्वाद की गोली गलत जा रही है। आप सोचो किस बात पर आप प्रसन्न हुए हैं? तो महादेव ने कहा कि लोग मुझे मेरे सिर पर बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, कोई गंगा जल चढ़ाते हैं, कोई अबिल अल चढ़ाते हैं, कोई कमल का फूल चढ़ाते हैं, कोई दूध चढ़ाते हैं, कोई पंचामृत चढ़ाते हैं, कोई कुछ चढ़ाते हैं, और एक समय था कि रावण आदि अपने शिर चढ़ा देते थे, लेकिन आज तू पहला विरल एक भक्त निकला है कि पूरा का पूरा मुझ पर चढ़ गया है। मां भजे हम भवानी पति भाव गंगम,
लेकिन ये तो कभी कभी होता है। एक जनो पासो आने जोइन चढ़ियो ने तो हरियो माथा में वाग्यो अंधारा में जलधारी जोई नहीं एने के चोरनु दृष्टांत क्या खांबड़ी गयो एने एम के शंकर प्रसन्नता से चढ़ तो लो हरियो अणी वालो हरियो अंदर सीधो उतरी आई निकले आय बधान लागू न पड़े बाप क्या गोली ऊंधी वही जाए पछे भजे हम भगवान भोलेनाथ भावगम्य है भाव से प्राप्त होता है राम ही केवल प्रेम प्यारा मानहु एक भक्ति कर नाता भावगम्य संस्कृत जिसको आता है स्तोत्र आता है वैदिक स्तुतियां आती हैं वो जरूर शिव के अभिषेक में वेद मंत्र गाएं अपनी एक शोभा है। लेकिन कोई देहाती आदमी केवल हर हर महादेव करके जल चढ़ा दे तो भी भाव गम्य वो भाव का पंखा सब छूटे। बुद्धि की विशुद्धि हो वो महादेव को ज्ञान के माध्यम से पूजे लेकिन हृदय की विशुद्धि है वो महादेव को भाव जगत में पूजे भाव गम्य। प्राण की प्रबलता है वो महादेव को योग से पूजे योग में प्राण की प्रबलता होती है वहां बुद्धि की प्रबलता की इतनी जरूरत प्राण प्रबल होना चाहिए ये योग का केंद्रस्थ विचार है प्राण बल हो वहां प्राण। इसलिए हमारे यहां कितने कितने लेकिन इसकी चर्चा न जानामि योगम जपम नैव पूजा कितने प्रकार की योग की विधाएं मेरे देश की मनीषा ने व्यक्त की है। भजे हम भवानी शिव जी आप भावगम्य हैं भवानी पति हैं आपको मैं भजू इतना कहकर ये अष्टक को मैं यहाँ रोक रहा हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहा पहारी प्रसीदा उसकी अब दो बंद को कल संक्षेप में चर्चा करके फिर परसों पूरा कर देंगे। तो आइए राम जन्म तक पहुँचना तो शायद मुश्किल है लेकिन कल के लिए जरा तैयारी कर लूँ लेकिन ताकि कल पहुँच जाऊँ कोई तकलीफ नहीं ना आज ना हो तो हाँ बस ठीक है। तो राम जन्म आज ना हो तो कोई दिला वंदन नहीं लेकिन थोड़ा कथा का उपक्रम जो है थोड़ा उसको केवल ऐसे ही ऐसे ऊपर ऊपर से उसका दर्शन कर लो। तुलसी जी ने राम कथा का आरंभ याज्ञवल्क के मुंह से प्रयाग में खुद ने दीनता के घाट पर शुरू किया और फिर कर्म के घाट पर याज्ञवल्क भरद्वाज जी की जिज्ञासा पर कथा कहना आरंभ करते हैं लेकिन पहले रामचरित के बदले शिव चरित्र सुनाते हैं कुछ पंक्तियां माठ कर दो। एक बार त्रेता युग मानी संभ गए भज ऋषि पाही संग सती जग जन ऋषि अखिलेश्वर जानी राम कथा मुनि ब्रज बखानी राम कथा मुनि
बरज बखानी सुनी महेश परम सुखमानी सुनी महेश परम सुखमानी। एक बार त्रेतायुग में शिव सती कुंभज के त्वां गए, राम कथा सुनी शिव जी ने मन लगा करके, सुनी सुख मानकर, सती का नाम नहीं लिखा है। संतों ने कहा कि उसने ध्यान देकर नहीं सुना, उनके मन में एक ग्रंथि हो गई कि घड़े से जिसका जन्म हुआ वो सागर जैसी कथा क्या खाक सुनाएगा। बस इस ग्रंथि ने कथा अमृत से उसको वंचित रख दिया। कथा पूरी हुई। भक्ति को अधिकारी समझ, कुंभज जी को अधिकारी समझ कर कथा तो भक्ति जिज्ञासा का जिज्ञासा पूर्ति की। महादेव ने विदा मांगी। बाबा लिखते हैं, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी चले भगवान सती लौटते हैं, बीच में राम दर्शन करते हैं। जानकी के वियोग में प्रभु सुंदर लीला कर रहे हैं, उस देख करके शिव तो विश्वास का रूप है। हे सच्चिदानंद, हे जग पावन कहकर प्रणाम कर लेते हैं। लेकिन सती को संदेह हुआ, पूछती है ये कौन है, न उनमें सत है न चित्त की कोई प्रसन्नता है, आनंद तो है ही नहीं। आप कहते हैं सच्चिदानंद, एक नारी के विरह में रो रहे। राम की लीला देखकर संतों ने कहा, भगवान की कथा सुनने से संशय का नाश होता है, लीला देखने से बड़े बड़ों को संशय पैदा होता है। देखने से ज्यादा श्रवण करना बहुत महत्व का है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद से अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म। श्रवणादि भक्ति में श्रवण सभी भक्ति को लीड करती, अगवानी श्रवण लेते, जिनके श्रवण समुद्र समान। तो किसी संत से मैंने सुना था कि भौतिक जगत में दर्शनीय प्रमाण चाहिए। अदालत में केस चलता हो तो किसी का मर्डर होगा तो दर्शक चाहिए, दर्शनीय सबूत चाहिए। लेकिन भक्ति शास्त्र में अध्यात्म जगत में दर्शनीय प्रमाण की कम जरूरत है, श्रवणीय प्रमाण चाहिए, बस वो जीत जाता है। कहाँ दर्शन किया था विभीषण ने, आदमी जीत गया, बिना लड़े लंका पा गया, केवल श्रवण सुजस सुनिहा अप्रभु भंजन भवी त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुख। गुरु नानक जी तो कहते हैं सुनिए दुख पाप का नाश, सुनिए दुख पाप का नाश, सुनिए दुख, सुनो सुनो सुनो, बस। तो सती ने ठीक से सुना नहीं ठाकुर की लीला को, देखा तो संदेह हो गया, बड़ों बड़ों को संदेह हुआ है लीला देखकर। तो शंकर जी को प्रश्न करती है कि ये कौन है जिसको आप सच्चिदानंद कहते,
प्रणाम करते। शिव जी ने पूछा, सती आपने प्रणाम किया कि नहीं? मैं तो ऐसे डूब गया तो पता नहीं आपने क्या। बोले मैं क्यों प्रणाम करूँ, आप तो बड़े भावुक है, किसी को भी प्रणाम कर लेते। मैं तो दक्ष की पुत्री जो ठहरी, मैं कैसे प्रणाम करूँ। शिव जी को लगा कि तो आपने अवसर खो दिया, जिसकी कथा महर्षि कुंभज ने गाई, जिसकी भक्ति मैंने अधिकारी समझकर कुंभज जी को दी, वही मम इष्ट देव रघुवीरा सेवत जाए सदा मुनि धीरा। वो मेरे इष्ट देव साक्षात प्रभु सगुण ब्रह्म साकार हो चुका है। और फिर भगवान शंकर करीब करीब सभी दर्शनों से सती को समझाने की चेष्टा में गोस्वामी जी के लेख में चल पड़े। धीर जोगी सीध संतत बिमल मन जहि आवहि बिमल मन जहि आवहि कहिले गम पुरान आगम जासु गिरतिया जासु गिरतिया सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवनिकाय पति माया धनी अवतरेऊ अपने भगत हित निज तंत्र सती। बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने मन को स्थिर और शुद्ध करके जिसको ध्याते हैं वो राम है। आगम निगम पुराण आदि सभी शास्त्र नेति नेति कहकर उसकी महिमा गाते हैं, वो ये राम है। सोई राम व्यक्ति के रूप में दिखाई देते हैं ना, लेकिन व्यापक ब्रह्म है। व्यक्ति के रूप में आने से उसका व्यापकत्व जो है वो बाधित नहीं हुआ, वो व्यापक है। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। तो ये आए क्यों, इसका जवाब बिना पूछे दे देते हैं। अवतरे वो अपने भगत हित अनुग्रहाय भूताना, अपने भक्तों के लिए अवतार धारण किया है, फिर भी वो निज तंत्र है, उसको कोई बंधन नहीं। शिव जी ने इस तरह सती को समझाया, लेकिन लागन उर उपदेश उपदेश लगा दे। बहुत समझाया भोले बाबा ने, लेकिन शिव जी हंस पड़े, बोले बिहंसी महेश भगवान की माया की प्रबलता समझ करके सराहते हुए भोले बाबा हंस पड़े। बहुत उपदेश दिया फिर भी लगा नहीं।
इस प्रसंग पर हर वक्त कहता रहा कि ये हमारे लिए, संसारियों के लिए, जगत के लिए बहुत बड़ा आश्वासन है कि शंकर भगवान समझाएं और सती न माने, शिव समझाएं और सती न माने, तो इससे बहुत ढाढ़स लेना, तो एक संतोष लेना कि हम समझाएं और घर में कोई न माने। तो ऐसे समय चिल्लाना मत, बाबा की तरह बिहसना। अब त्रेता युग में समझाया गया तो भी नहीं माना, तो ये तो कलयुग है। और जो निकट रहते हैं वो नहीं समझते, दूर वाले ही समझते। कुछ पाने के लिए निश्चित अंतर आवश्यक है। इसलिए कितना भी आप अद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित करो, लेकिन गुरु शिष्य में अद्वैत की मना है, वहाँ द्वैत होना आवश्यक। एक निश्चित दूरी कि मैं शिष्य हूँ, ये मेरे गुरु, आवश्यक। बहुत निकट वाले नहीं देख पाते। पत्नी तो पति के साथ जुड़ी होती हो ना, इसलिए वो पति समझाए नहीं माने। संशय तो सबसे बड़ा रोग है, और शंकर भगवान त्रिभुवन के वैद्य है, गुरु है, लेकिन घर का वैद्य कहाँ काम में आता है। लाख समझाए नहीं माने। आप पूरी दुनिया को समझा सकते हैं, लेकिन घर में समझाना बहुत मुश्किल। सबके अनुभव क्या है, संसारी लोगों, पूरी दुनिया सब, अरे वाह वाह करें, लोगों आपके सूत्र लिखेंगे घर में सीताराम। नहीं, नहीं। हाँ, इसका मतलब नहीं माने, जहां शील और खानदानी होगी बात और। निकट वाले नहीं समझ पाते। कथा की व्यासपीठ को ठीक से देखना है तो एक निश्चित दूरी जरूरी है। बिल्कुल मंच के नींव में बैठोगे तो व्यासपीठ को नहीं देख, और बहुत दूर बैठोगे तो भी ठीक से नहीं। एक निश्चित अंतर ये जरूरी समझने के लिए। फासले सदियों के एक लम्हे में मिट जाते, दिल मिला लेते अगर हाथ मिलाने वाले। कितना ही आदमी दूर हो लेकिन दिल मिल जाए। पति पत्नी निकट बहुत होते हैं लेकिन दिल दूर होता है। दिल तो लगभग होता ही नहीं। दिल क्या खबर नहीं होता, दिल आबाज हुआ क्या बाजू घड़न खबर। ये तो अटैक का विचार खबर पड़े आया हाथ में। किसी कई लोगों को खबर ही नहीं कि दिल कहाँ। दिल की दुनिया से बिल्कुल अनभिज्ञ, दिमाग की दुनिया में जीने वाला समाज दिल को खो गया, भूल गया। दिल डाबी बाजू है, दिला लोगों को पता है। तो बाप सती नहीं माने, और संसार में जब निजी व्यक्ति हृदय की बात न माने तो रोष मत करना, हरि की माया समझ करके हंस लेना। क्या शंकर भगवान सुंदर जीवन बता रहे, हंस ले। हंसने में बहुत काम हल्का हो जाता, बहुत हंस। मैंने वो प्रसंग सुनाया, मैं कच्छ में जा रहा था, राजकोट से गुजरा, जिस गाड़ी में मैं बैठा था वो ड्राइवर, उसको पता कि बापू जरा स्पीड में जाते हैं, तो वो भगाए जा रहा था। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि नगर में भी भगाओ, वो उनका उनकी मानसिकता थी, वो भगाए राजकोट में, काफ़ी भीड़ में भगाए जा रहा था। वो एक मोटरसाइकिल पर दो आदमी थे, वो बगल से निकले और बाल बाल बचे, जरा सी ठोकर लग जाती गाड़ी की तो वो गिर जाते या तो कुछ ना कुछ हो सकता था। तो वो बेचारे जा रहे थे और एकदम थोड़ा सा रह गया, भगवान की कृपा। लेकिन वो दो रह गए, उसको इतना गुस्सा आया कि बार बार मोटरसाइकिल बुलेट को दबा करके हमारी गाड़ी के आगे जा करके
वो हमारी ओर देखे। मैं समझ गया कि ये ड्राइवर की ओर देख रहा। मैंने ड्राइवर को इशारा किया कि जरा धीरे रखो ना, ये देखो ना गुस्सा कर। बोले तुम्हारी सामने मारी, मेरे सामने नहीं देखते, आपके सामने। बोले मैंने कहा मैंने क्या गुनाह किया है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। बोले नहीं बापू, ये आपको पहचान नहीं पा रहा इसलिए बार बार आगे जा रहा है, बार बार। मैंने कहा मुझे तो वो पहचान गए है इससे, उसको तेरी पहचान करनी है, वो तेरे से हाथ मिलाना चाहते। अब एक स्पर्धा सी हो गई, ये गाड़ी आगे करे वो उसमें चेहरे पर से, मैं इधर बैठा था तो मैं देखता उसके चेहरे से लगता था कि वो क्षत्रिय कुल के होंगे, युवक मुछे बुछे थी और चेहरे से पता लग जाता है कि क्षत्रिय लगते हैं। तो बहुत गुरगुरात देखते थे, मैंने कहा ये एक लड़ाई ही होगी होगी, क्योंकि ये लोग अब करे भी क्या, वो भी अपनी जिद में वो भी अपने उसमें थे। तो मैंने वो शीशे का खिड़की का शीशा खोला और जैसे वो मोटरसाइकिल वाले दोनों युवक आगे निकलने गए तो मैंने हाथ हिलाकर मुस्कुरा दिया, जैसे आराम ये बापू तीरा बाएं मोड़ करके निकल गए। मुस्कुराने से कितना संघर्ष टल जाता, बोले बिहंसी। लेकिन जमाना मुस्कुराना ही तो भूल गया, कई लोग तो सदियों से हंसे नहीं, हंसते ही। शिव जी हंसकर बताते हैं ये भी तो एक विष है कि घर में हमारी कोई बात न माने और हम इसी बात को मुस्कुरा करके पी जाएं, वो भी तो विष पान। सती को कहा कि मेरी बात से यदि आप माने नहीं तो जाकर परीक्षा करो। सती परीक्षा करने जाती है, वहां असफल होती है और भगवान शंकर के पास सोच बस आती है कि सोचती है कि मैंने शिव जी की बात मानी नहीं, फंस गई, प्रभु ने अपना रूप दिखा दिया और जो कथा से आप परिचित हैं। लेकिन एक भाई लेकर, एक दुख लेकर, विषाद लेकर लौटी कि मैंने शिव की बात मानी नहीं, अब शिव मुझे पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगी। गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, मैं संकर कर कहा का वेश बनाकर गई। प्रसंग से परिचित में केवल ऐसे ही आगे बढ़ूं। शिव जी के पास आती हैं, भगवान महादेव ने फिर हंसे, हंसी पूछी कुशला, वरना कह सकते थे कि वो आए परीक्षा ले ली, बताओ क्या पाया, लेकिन मुस्कुरा कर पूछते हैं कुशल तो है, संशय एक बड़ी बीमारी मार देती है, वहां तक की बीमारी, तो आपने परीक्षा किस तरह की जरा बताइए। और सती बोली, महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं की, मैं परीक्षा करूं इससे पहले तो मेरी परीक्षा हो गई। कछु न परीक्षा ली नहीं गोसाई की न प्रणाम तुम्हारी कछु न परीक्षा तब शंकर देखे उधरी ध्यान तब शंकर चरित सब जाना अब जो करो सती सरीति मिटे भगति पथ हो
मैंने कोई परीक्षा नहीं की, आपकी तरफ प्रणाम किया आदि आदि कहती हैं। भगवान शंकर ध्यान में देख लेते हैं और सती ने सीता का रूप लिया, वो शिव को अच्छा नहीं लगा। सोचा कि सीता तो मेरी माँ है। अब सती ने सीता का रूप लिया तो यही तन सती भेंट मोहिनाही, शिव संकल्प किन्ह मन माहि। जब तक दक्ष सुता का ये शरीर रहेगा, मेरा और उनका कोई रिश्ता नहीं रहेगा। आकाशवाणी होती है, सती पूछती है, शिव जी जवाब देने का अवसर ना आए इसलिए बात पलट देते हैं और कैलाश पहुंच जाते हैं। अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके शिव जी भवन के बाहर बैठ जाते हैं। 87,000 साल बीत गई। गोस्वामी जी लिखते बीते समंत सहस सतासी तजी समाधि संभुआसी बीते समंत। इतने साल बीत गए, बाबा समाधि से बाहर आए, राम राम बोलने लगे। सती ने सोचा जगत पति जागे, मेरे पति तो अब नहीं रहे, माने वो रिश्ता नहीं रहा। सती आती है, शिव चरण में प्रणाम करती है। जो कथा को आदर नहीं दे रही थी, कुंभज को आदर नहीं दे रही थी, राम की लीला को आदर नहीं दे रही थी, वो सती इतने सालों के कष्ट के बाद उसमें वो जगा और प्रणाम कर रही है। बाबा लिखते हैं शंभुपाद बंदन हीन सन्मुख संकर आसन दीना जाई शंभुपाद। जाकर प्रणाम किया और शिव जी ने सन्मुख आसन दिया। जो अब तक शिव से विमुख थी, करुणा अवतार शिव ने उसको सन्मुख किया। कथा सुनाने लगे, दक्ष वाली कथा आई, सती मानी नहीं, दक्ष यज्ञ में जाती है। वहां शिव अपमान सहा नहीं गया, योग अग्नि में अपने देह को जलाकर भस्म करती है। रुद्रगण यज्ञ को वो कर देता है। दक्ष की दुर्गति हुई, शिव विमुख की क्या स्थिति होती है सो बताई। गोस्वामी जी कहते हैं सती ने जलते समय हरि से वर मांगा कि जन्म जन्म मुझे शिव ही प्राप्त हो, यही कारण दूसरा जन्म हिमालय के घर कन्या के रूप में, तेही कारण हिमगिरी गृह जाई जन्मी पार्वती तन पाई, पर्वत के घर पार्वती के रूप में आई, शैल के घर शैल जा बनकर वो सती पधारी। हिमालय और मैना बहुत राजी हुए, बेटी बड़ी होने लगी, महात्मा लोग आने लगे। कहने का मतलब, श्रद्धा जब प्रकट होती है, बड़ी होती है, तो सदगुरुओं को बुलाने नहीं पड़ते, स्वयं सदगुरु वीणा बजाते बजाते आ जाते हैं। सवाल है श्रद्धा, श्रद्धावान को ही ज्ञान मिलता है, ज्ञानी मिलता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं एक बार नारद जी वीणा लेकर पधारते हैं, बेटी को प्रणाम करवाया, प्रार्थना की, नामकरण हुआ, कहा कि मेरे बेटी के गुण दोष बताओ। नारद जी ने सब अच्छी बातें बताई, फिर कहा कुछ अवगुण भी है, आपकी बेटी को वर कैसा मिलेगा वो सब कथा कही। अगुण अमान मात पितुहीना आदि आदि। माता पिता को दुख हुआ, लेकिन उमा प्रसन्न हुई कि जिस वर का वर्णन बाबा कर रहे हैं वो तो शिव ही तो है। नारद जी ने कहा आपकी बेटी तप करे, आशीर्वाद देकर नारद गए। माता पिता सोच रहे हैं कि बेटी को तप करने को कहना पड़ेगा। दूसरे दिन सुबह में वेद स्वप्न की बात बेटी कहती हैं और तप का पंथ ग्रहण करती है। वेदशिरा नामक महात्मा आकर सबको कड़ी तपस्या की। आकाशवाणी हुई, उमा को कहा कि आपको शिव मिलेंगे, सप्तऋषि मिले तब हमारे वचन को प्रमाण समझना और पिता घर बुलाए तब चली जाना। प्रसंग को बदलते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं कि मैंने उमा की कथा तो आपको सुनाई,
अब शंभु का चरित्र सुनिए। मानसकार कहते हैं, उमा चरित सुंदर सुनो शंभु कर चरित भक्त विरह में दुखी भगवान घूमते रहे, कहीं ज्ञानोपदेश करते हैं कहीं राम नाम में डूब जाते हैं। ऐसे प्रभु एक जगह ध्यान में डूब गए, शिव के नेम प्रेम को देखकर भगवान प्रकट हुए और भगवान शिव को कहते हैं, मैं एक बात मांगने आया हूँ, आपने सती का त्याग तो किया लेकिन सती नहीं है अब पार्वती हैं, हिमालय जब आपको बुलाएं तब आप पार्वती का पानी ग्रहण करें। कहा महाराज आपका आदेश मेरे लिए परम धर्म है। हाँ कह दी। सप्तऋषि आए, भवानी की प्रेम परीक्षा की, पार्वती उत्तीर्ण, हिमालय को कहा बेटी को घर ले आए, और यहाँ सप्तऋषियों ने आकर शिव को कहा भगवान पार्वती का प्रेम, उनकी शरणागति अद्भुत है। पार्वती के प्रेम अकुला उठे देवी समाज। ब्रह्मा को देवताओं ने कहा इस धनुष का निधन कैसे हो, ब्रह्मा ने कहा एक ही उपाय, शंभू शुक्र संभूत सुत, शंकर का बेटा ही उसको मार सकता। बोले शिव तो सब कुछ छोड़कर तपस्या कर रहे। बोले आप कामदेव को भेजो, समाधि भंग करो, फिर समाधि तोड़ो तुम, जोड़ू मैं, ब्याह में करवा दो। कामदेव आता है, भगवान के मन में क्षोभ कर देता है, और शिव जी ने तीसरे नेत्र से देखा और देखते ही काम जलकर भस्म हुआ, पूरे संसार में हाहाकार हो गया। गोस्वामी जी शब्द चित्र प्रस्तुत करते हैं। भय कंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई रोदति बदति बहु भांति करुणा करति शंकर पहि गई अति प्रेम करी विनती विविध विधि जोरी कर सन मुख रही प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरति बोले प्रभु। काम जल गया और एक खलबली मच गई संसार में। कामदेव की पत्नी भगवान शिव के पास रति आई, कहा कि तेरा पति अब मनसीज होगा, देह से नहीं है लेकिन सबके मन में बैठकर वो प्रकट होगा, और अगले जन्म में तेरा पति तुम्हें देहधारी के रूप में मिलेगा। बाबा बोले जब जब कृष्ण पति तो कृष्ण तन हो पति तो बचन होली नमो बचन भगवान शिव ने पार्वती को श्रोता बनकर बनाकर रामचरित कहा था, अथवा आगे कहेंगे रति को श्रोता बनाकर उसने संक्षेप में समास में कृष्ण चरित्र सुना दिया। जब जदुबन अवतार से लेकर उनके पुत्र तक की कहानी पूरा मानो यदुवंश का गान कर दिया संक्षेप। कृष्ण अवतार में कृष्ण तने आपका पति के रूप में आपको मिलेगा। शिववाणी सुनकर रति जाती हैं, स्वार्थी देवता लोग आते हैं, भगवान की प्रशंसा करते हैं, ब्याह करने के लिए शिव को राजी कर देते हैं। शिव जी हाँ कह देते हैं और बारात तैयार होती है। बारात ब्याह
इन सब कथा को ऐसे ही संक्षेप में कल कहकर, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास जुड़ते नहीं तब तक योगी के हृदय के अयोध्या में भी राम प्रकट नहीं होता। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण याभ्याम विना नपस सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वर। भगवान तो हर जगह है, तो योगी को भी नहीं मिलता बिना श्रद्धा विश्वास के मिलन। तो कल श्रद्धा विश्वास का मिलन हो जाए, फिर हृदय की अवध में राम का प्रागट्य हो जाए। कल तो वादा, कल करा दूंगा राम जन्म वाला, कल पक्का बाबा। हाँ, तो कल ये रुद्राष्टक का थोड़ा गुणगान गा करके फिर राम प्रागट्य की कथा गाएंगे। तो आज की कथा को यहाँ विराम दूँ, इससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम का आश्रय करें भाव से, भीतर से। हरे राम 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 हरे राम। हरे राम 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 सीता राम 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 हरि बोल। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare
तनय संकट हरण। आज की कथा को यहाँ विराम दिया जा रहा है। कल सुबह 9:30 बजे फिर भगवत चर्चा। भाव से बोलिए, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। सदगुरु भगवान नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। नाथ कृतार्थ भयो तव दर्शन खगराज। पायती कीर्ति कलिय ललित आरती रामायणी गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सन कादि रुसार बरनी पवन सुर कीरति आरती श्री रामायण जी। कावर वेद पुराण अष्ट दस छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन संतन को रस सार अंश सम्मति सब आरती श्री रामायण जी। गावत संतर अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी कागभूषुंडी गरुड़ के आरती श्री रामायण। कलिमलहरी विषय रस पीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दरन रोग भव मुरी अमीरी तात मात सब विधि तुलसी आर ललित सी आरती श्री रामायण जी की। रामायण जी रामायण जी की। जय सियाराम। आरती की थाली लेकर सभी भाई बहन नीचे आ जाइए।